तुम हमेशा चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज करूं। प्रिंसेस, विल यू मैरी मी? मैं और भाई शादी करते हैं। सारी जिंदगी ना खुश रहेंगे या अगले दिन उसको तलाक दे देंगे। जैद और माहिम का रिश्ता मुमकिन है। अब उन्हें मेरे और माहिम के रिश्ते से निकाल दो। आंखों में सावन जड़ी आ ठहरती ना ये लिख कर देता हूँ मैं आपको, मुझे माहीन की जायदाद नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हें लिख कर देता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगा। उमर, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली थी। जितना तुम अपना दिमाग इन गेमों में खपाती हो, अगर उतना ही अपनी किताबों में लगा लिया होता तो आज ग्रेजुएट कर चुकी हो। हाँ हाँ, अब तो आप यही कहेंगे। क्या बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खुले में रात के इस पहर नहीं बैठा कर। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर मुझे कोई देखे? तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर देख लिया तो क्या करोगे? कैद कर लूंगा तुम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फूलों की शहजादी फूलों में कैद रहती। नहीं कर सकते, भला कभी कोई खुशबू को भी कैद कर सके? बहुत खुश, जो दिल चाहे मांग लेना। तुम्हें ना मांग लो। नायाब लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, फिर भी कोशिश करके देख लें। अगर ये कोशिश नाकाम रही तो? नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे गिफ्ट सब तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी। अच्छा देखो ना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। कीमती लोगों को कीमती चीजें ही दी जाती है। पहन कर दिखाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हें इससे मतलब, पहन के दिखाओ ना कैसी। अब तुम हमेशा ये घड़ी पहनोगे और यूं समझना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए इस घड़ी की जरूरत है, मगर आई लव इट। थैंक यू। अरे कहाँ जा रहे हो? वालिद साहब से मिल, चलोगी? कुछ नहीं, यूं ही। इसने मिर्च खा ली है, लो पानी पी लो। आखिरकार अब्दुल रहमान की मेहनत रंग ले आई है, ये लड़का भी पढ़ लिख गया है। ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा और कुछ भी नहीं। हाँ भाई, माँ की दुआ लगती है जरूर, लेकिन उस बाप का क्या,
जो गर्मी सर्दी देखे बगैर तुम्हारी भारी भारी फीसें भरता रहा है, और उसका भी कोई रुतबा है। ठीक कहा आपने, अब्बू का एहसान तो मैं भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा जी, आज की औलादें कहां याद रखती हैं? उनको तो लगता है कि बस वालिदैन का फर्ज था, उन्होंने सिर्फ फर्ज पूरा किया है। तो ये उनका फर्ज नहीं था चाचू, आफ्टर ऑल इन्होंने औलादे पैदा की हैं, खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना। तुम तो चुप ही करो जाए। ताइबू आप बताइए, आपने उमर के लिए क्या गिफ्ट लिया? भाई पैसे दे दूंगा, जो दिल चाहे ले ले। इसका मतलब है कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है। हाँ बड़ा गिफ्ट, ट्रक ले दे। आप तो कह रहे थे कि वो फ्लैट। तुम अब जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, आजकल अच्छी जॉब्स मिलना इतना आसान भी नहीं है। भाई को जॉब की क्या जरूरत है, आप दोनों के साथ प्रैक्टिस संभालेगा। अब वो आप रिटायरमेंट ले लें, आपके बेटे जवान हो चुके हैं। उमर कहां से शुरू करोगे ये बताओ। अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, अभी तक वही पुराने तरीके चले आ रहे। हां भाई, हमने तो इतने साल यहां बैठकर झाकी मारी है, अब तुम आ गए हो तो तरीके भी बदल जाएंगे। तब्दीली तो वक्त का तकाजा है चाचू, और वैसे भी नई फैक्ट्री लगाने के बजाय अगर हम इसी फैक्ट्री पे थोड़ी तवज्जो दें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें तो हमारे प्रॉफिट्स डबल हो सकते हैं। भाईजान मेरा ख्याल है हम दोनों को तो घर बैठ जाना चाहिए, नया खून नया जोश, अब हमारी क्या जरूरत। अगर हम जैसा तजर्बा कहां से लाएगा, इसे हमारी जरूरत है और हमें इसकी, दोनों मिलकर काम चला लेंगे। ठीक, अच्छा बताओ ना, ताये वो खुश थे? खासे मुतमईन लग रहे थे मुझसे, और मैंने जो उनको सारे आइडियाज दिए वो सब उनको बहुत अच्छे लगे। और अब्बू? चाचू का समझ नहीं आता, सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। वैसे मुझे तो अब लग रहा है कि मैं भी चाचू की तरह ही होता जा रहा हूं। जो भी हो मैं, अब तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। वो ऑलरेडी मेरी जगह है, मुझे अब अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, आपको जगह बनाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, आपकी जगह तो खुद बन जाती है। आप है ही जादू कर। अच्छा कॉलेज नहीं है कल? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी छुट्टियां हैं। तो एग्जाम की तैयारी कर लो। क्या है उमर, कर लू। क्या कर रही हो पागल? पैदा करो, हमेशा इसी तरह संभालोगे? कभी गिरने नहीं दूंगा। क्या बेनते बैल की तरह टकराती फिर रही हो? सॉरी यार, वो अम्मा जी आवाज दे रही थी। उमर ऊपर है? हाँ, उसी को कॉफी देनी है। तो भाई ने तुम्हें ऐसे क्या कह दिया कि तुम उड़ती फिर रही हो?
अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कहता है तो अच्छा लगता है। तुम दोनों की ना मंगनी हो जानी चाहिए। जैद, तुम सिगरेट पीने लगे हो? वापस करो मुझे। नहीं वापस करो, मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये मैं ताया बाबू दूंगी। मुझे वापस। ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म की आदतें पालने लग गए हो तुम? तुम्हारी उम्र है इस तरह की हरकतें करने की? पता नहीं कौन से दोस्त हैं जो तुम्हें इस तरह की आदतें डाल रहे हैं। अब्बा मैं बस। बंद करो बकवास, मुझे वजाहते दोगे? क्या हुआ? लो तुम भी देख लो, ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की। आज सिगरेट पी रहा, कल कोई और नशा करके आ जाएगा। जैद, जिंदगी में हमने कभी हाथ नहीं लगाया इस तरह की चीज को, और ये पता नहीं क्या। अबू आप खामखा नाराज हो रहे हैं, ये पैकेट मेरे लिए लाया था, बता देता ना यार। लो, बस इसी इल्लत की कमी रह गई थी जो इस लड़के ने पूरी कर दी है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? कौन सी इल्लतें पाल रखी हैं उसने? जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़कियों के पीछे जाता है, करता क्या है वो आखिर? उसे तो बात करना फिजूल है। हर बात का इल्जाम उम्र पर धर देते हैं, किस दिन बागी होकर घर छोड़कर चला जाएगा, इनका क्या जाएगा? दिल तो मां का तड़पेगा ना। अल्लाह ना करे ताई अम्मी। उमर, I'm sorry. ये आदत कब से पड़ी? पहली बार लेकर आया। इसी क्यूरियोसिटी में मारा है। आइंदा हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा नहीं लगाता हाथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस के बच्चे एक बार बचा लिए, बार बार नहीं बचाऊंगा। तुमने घर नहीं जाना? नहीं अब्बू, मुझे आज थोड़ा ज्यादा काम है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है, फिर सब लॉक कर लेना अच्छी तरह से। बाहर चौकीदार है, अगर कुछ चाहिए हो तो उससे बुला लेना। उसको बोले घर चला जाए, मैं सब कुछ खुद लॉक कर दूंगा, बेचारा गरीब मेरे लिए क्या इंतजार करेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ मैं बस अभी फारिग हुआ हूँ, तुम शोरूम पे रुको, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह। गाड़ी ले ली है। गाड़ी ले ली? अरे तो है, अब इसको क्या हुआ है? ये क्यों इतना चीखती पी रही है पूरे घर में? रहमान ने उमर को गाड़ी ले ली। भाई
आपकी। अब भाई भी नई निकोर गाड़ी में जाएगा। लेकिन गाड़ी तो बहुत महंगी होती है बेटा, तुमने कैसे ले ली? इंस्टॉलमेंट के लिए किसी को बताएगा नहीं। तुमने गाड़ी ले ली? नहीं, गधा गाड़ी ले। तुम बैठोगे? अबू, भाई ने गाड़ी दी। दोस्त का शोरूम। पेमेंट कर दी? कुछ कर दी है, बाकी इंस्टॉलमेंट में कर दी। मुबारक। थैंक यू। साहब, हम लोग ड्राइव के लिए चले जाएं? क्यों नहीं? चल ना, टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। तुम कौन सी टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हो? बैठ जाओ चुपचाप। चलो चले। अरे अब्बू को पता चल गया ना कि तुम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे क्यों, तो क्यामत से पहले क्यामत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इज एवरीथिंग ओके? आप लोग इतने परेशान क्यों? ऑफिस से 5 लाख रुपए की रकम गायब। व्हाट? आप लोगों ने सबसे पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया? चोर जब घर में मौजूद हो, हालात थाने में नहीं निमटते। क्या मतलब? चोर का पता चल गया? उमर, रकम कहाँ है? अबू क्या कह रहे हैं ये? उमर, तुम कल रात ऑफिस से किस वक्त निकले थे? आप मुझसे तफ्तीश कर रहे? मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने ऑफिस में कोई अनयूजुअल चीज देखी? कोई था तुम्हारे साथ? Can't believe this. उमर, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे अबू, आप दोनों के रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के आगे मुल्ज़िम खड़ा है। तुम हर बात को बढ़ावा क्यों देते हो? चोर मचाए शोर। जब बार मैं बात कर रहा हूँ तो साफ बात करें। कल रात तुम रात गए तक ऑफिस में थे, तुम्हारे अलावा ऑफिस में और कोई नहीं था। चौकीदार को भी तुमने भेज दिया और खुद ऑफिस को लॉक करके घर गए थे। कल रात तुम भी यहाँ थे और रकम भी गायब हो गई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रकम मैंने निकाली है? और किसने निकाली है? मैं अपने ही ऑफिस में चोरी क्यों करूंगा? ये ऑफिस तुम्हारा नहीं है, ये ऑफिस अब्दुल रहमान का है।
ये ऑफिस अब्दुल जब्बार का है और ये ऑफिस जब्बार बात कर रहा हूं ना मैं उमर ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी घर के भेदी ने काम किया ऑफिस के दरवाजे का लॉक नहीं टूटा हुआ था ऐसे लगता कि जैसे उसे पता था कि चाबी कहां पड़ी हुई है वाह ये तो सीधा सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है आप लोग एक काम करें पुलिस को बुलाएं वो ही फैसला करेंगे काम किसने किया है इतनी सेल्फीज क्यों लेती हो? देखो तो कितने खूबसूरत आई हैं। जिंदगी के हर खूबसूरत मोमेंट को अपने रूम की दीवार पर लगाऊंगी। नहीं अजीब शौक है तुम्हारा। एक ही शौक है मेरा। वो क्या? जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताऊं। सुनो, तुम अपने हाथ में कोई रिंग नहीं पहनती? तुमने दी नहीं। ठीक अब तुम्हें रिंग देने का वक्त आ गया है वो भी सबके सामने हैप्पी सो मच चलो फिर एक और सेल्फी ले लास्ट क्या तकलीफ है तुम्हें ओह माय गॉड उस दिन मुझे अकेला छोड़कर खुद मजे के लिए निकल गए कहाँ कहाँ गए क्या क्या खाया सैद क्या बदतमीजी है यार फोन दो बदतमीजी ये नहीं बदतमीजी वो है जो उस दिन तुम दोनों ने की थी जो किया था उमर ने किया था फोन दो शरीक के जुर्म थी और अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो अच्छा क्या करोगे मैं ये तस्वीरें अम्मा जी को दिखाऊंगा फिर देखना ऐसी तबाही आएगी ना माही तबाही सैद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे फोन दो मेरा अच्छा फोन दो ये लो फिर सैद फोन दो मेरा सैद का कैप्शन होगा जैद मैं कह रही हूँ मेरा फोन दे दो जैद किसानी बिल्ली खंबा फोन दो जैद मेरे हाथ मारे जाओगे ये जो घोंसला है ना सब एक बार नहीं बटेगा तो मेरे पास एक और खूबसूरत मोमेंट कैप्चर भैया जल्दी आ गए आज रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा बिल्कुल नहीं लिख रहा सिचुएशन ज्यादा गंभीर लग रही है यहाँ खड़े होकर बातें बनाने के बजाय जाकर पता करो इस सिचुएशन में मैं शेर की किचाड़ में नहीं जा रहा और आपको भी यही मशवरा कि आप भी ना जाइएगा मुझसे कुछ मत पूछना अभी मैं तो कुछ नहीं पूछ रही सिर्फ तुम्हें देखने आई थी तुम ठीक हो देख लिया बिल्कुल ठीक हूं मैं और तुम्हें तो पता होना चाहिए हमारे घर भी तो सारी मीटिंग चल रही है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना तुम क्या सोच रहे हो कल शाम तक मैं ऑफिस में मौजूद था कि जो भी शख्स है मेरे घर जाने का मुंतजर था जैसे ही मैं घर गया वो ऑफिस में दाखिल हुआ लॉक खोला और रकम निकाल के ले गया तो घर का भेदी था जानता था कि ऑफिस में रकम पड़ी है ताला खोला तोड़ा नहीं बहुत ज्यादा घर का भेदी था तो क्या ऑफिस में कैमरा नहीं है
इतना ही। लेकिन वहां सिर्फ हमारा ऑफिस तो नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, हमारे साथ वाले ऑफिसर से पूछा जा सकता है, शायद उनके पास कैमरा हो। लेकिन ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो पुलिस का काम है ना, ताए वो पुलिस को क्यों नहीं बताते? क्योंकि उन्हें भी मुझ पर शक है। ऐसा नहीं है, वो तुम पे शक क्यों करेंगे? बहुत बड़ी वजह है, मेरी गाड़ी। क्या तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये गाड़ी मेरे पास कहां से आई, कैसे खरीदी? नहीं, हमारे जहनों में ऐसा सवाल कभी नहीं आता। उमर लड़ सकता है, झगड़ा कर सकता है, लेकिन ना ही उमर चोरी कर सकता है और ना ही झूठ बोल सकता है। इतनी घटिया बात कोई कैसे सोच सकता है? आपने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन इस टाइम तकरीर नहीं, काम की जरूरत है। आप प्लीज जाएं। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम क्या करने वाले हो? माही, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं इस वक्त घर छोड़ के जा चुका होता। सिर्फ तुम्हारे लिए अपना नाम क्लियर करना है मुझे सिचुएशन से। तुम्हें कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच रहे हैं, चाचू सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है उमर। देखो माही, मैं जो इस वक्त अपने कदमों पे खड़ा हूं, सिर्फ तुम्हारे यकीन के सहारे खड़ा हूं। प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। मैं फरहान से बात करता हूं, हमसे अगला ऑफिस उसी का है, वो सिक्योरिटी के बारे में भी कॉन्शियस है। बाद में लंबे सो जाना, अभी मुझे चलती है। उमर साहब, आपने मुझे यहां क्यों बांधा है? चोरों को बांधा ही जाता है, सर आंखों पे नहीं बिठाया जाता। आप कसम ले ले, मैंने कोई चोरी नहीं करी। यूनिवर्सिटी में मैंने एक स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जब बाद में पता चला कि उनके मकासद अच्छे नहीं है, तो अम्मी के कहने पर छोड़ा। उनसे कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन हड्डी पसली तोड़ना जरूर सीखा। तुम बताओ ये रकम क्यों चुराई और किसके कहने पर चुराई? और साहब, मैं नहीं हूं। मैं झूठ सिर्फ एक बार सुनता हूं। और साहब, आप मेरे साथ अच्छे नहीं कर रहे। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। जरूर, मैं तुझे खुद पुलिस के पास लेकर जाऊंगा, और जब वो तेरी मनहूस शक्ल देखेगी ना जो कैमरे में नजर आई है, तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो वो तेरा हाल करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, साहब ने सोचा था कि वहां कोई कैमरा है ही नहीं। सब मेरे मेहमान साहब के कहने पे किया है। रिस्पांस कर, अब तू पे इल्जाम लगाते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे उन्होंने ही लॉकर की चाबी बनवा के दी थी। मुझे मेरे बच्चों की कसम, ये सब मैंने रहमान साहब के कहने पे किया है। देख सकते हो कि वो आपको फैक्ट्री में देखना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता उमर साहब, मैं गरीब इंसान हूं, चार पैसों की लालच में आ गया साहब। मम्मी, मैं जा रहा हूँ, एक जगह इंटरव्यू है मेरा। तुम जॉब करोगे? जबार की बातों को इतना सीरियसली मत लो। जहां मेरी जरूरत ना हो मैं वहां नहीं जाता। लोग कामखा इतना जतन करते हैं,
एक बार कहना ही काफी होता है। खुदा हाफिज़। इतना परस्त है मेरा भाई, खुददार है। आप तो कोई पाँव भी पकड़ लेना तो फैक्ट्री नहीं जाएगा। तो क्या बाप से पाँव पकड़वाएगा? नहीं बाप, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मुझे बताओ कि तुमने उमर को क्या बताया और उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? साहब, मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी ना किसी का नाम तो लेना ही था ना। तुमने मेरा नाम ले दिया। नहीं नहीं, आपका नमक है, आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? मैंने बड़े साहब का नाम ले दिया। तुमने भाईजान का नाम ले दिया? साहब, उस वक्त जो मेरे जहन में आया मैंने वही कह दिया। इसीलिए उमर आराम से पीछे हट गया। लेकिन अगर उसने भाईजान से बात कर ली तो? अगर उसे बात करनी होती तो मुझे छोड़ता ही क्यों? बड़े भाई को धोखा देकर अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा बकबक की ना तो तुम्हें इसी केस के अंदर अंदर करवा दूंगा, समझे? ठीक है, मैं जाकर रहमान साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये चोरी मैंने आपके कहने पे की थी। चींटी के भी पर निकल आए ना तो उसे काटने पड़ते हैं। जाओ जाओ, जाकर बता दो। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी बात का इतबार कर लेंगे? पहले तुमने भाईजान पर इल्जाम लगाया और अब मुझ पर इल्जाम लगाते हो। देखे, मेरे साथ ऐसा नहीं करें साहब, मैंने आपके खातिर बड़े बड़े काम किए हैं। चुपचाप करते जाओ, समझे? वरना एक केस नहीं कई केसों में तुम्हें अंदर करवा दूंगा, जेल में पड़े सड़ते रहोगे। अब दफा हो जाओ यहां से, जाओ। कुछ ज्यादा ही इसके भरपुर से निकलने लगे, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। साहब, आपने एक बार मेरी बात रहमान साहब से कहा थे। साहब मुझे ना कुछ बताना है। साहब मुझ पे एहसान कर दे साहब। अब आप बताएं क्या करना है इसके साथ? गरीब बंदा है, अब उस पर जुल्म तो कर नहीं सकते। साल दो साल के लिए इसको अंदर कर दें, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर इसको पता लगेगा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। ठीक, समझ रहे मेरी बात? अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। जब्बार साहब, मुझसे गलती हुई, जब्बार साहब मुझे माफ कर दें। जब्बार साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब्बार साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है। जब्बार साहब मुझे माफ कर दें, मुझ पे एहसान कर दें। जब्बार साहब अम्मी, मुझे माहिन से शादी करनी। तुम तो इस तरह कह रहे हो कि अम्मी मैंने खीर खानी, अभी पका दे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे माहिन से शादी करनी और जल्दी। इतनी जल्दी किस बात की उमर? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, और इससे पहले कुछ हो जाए आप माहिन को मेरे नाम करते बस। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। अगर अब्बा ने मना कर दिया, अगर चाचा ने मुझे माही देने से इनकार कर दिया? अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करता आया हूँ, लेकिन इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर किसी ने भी मुझसे माही छीनने की कोशिश की तो इस घर में बहुत बुरा होगा। अपनी आवाज और लहजा दुरुस्त रखो, और कोई तुम्हें क्यों इनकार करेगा? सबसे अहम बात यह कि तुम और माही दूसरे को पसंद करते हो, और माही वो तो सबकी लाडली है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, किधर रह गए थे? माँ की याद नहीं आई? आई 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 आई। कैसी है माहिन? अब ठीक है, सो रही है बेचारी। अब देखो ना, घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती है, ना भाई है ना बहन है। अब वो बेचारी अकेली घबरा जाती होगी ना। आजकल हम बूढ़ों के साथ नई नस्ल का वक्त कहाँ गुजरता है। अम्मा जी, मैं सोचा था कि बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीनी, मैं भी आसपास से यही बात करने वाली थी। तो ठीक है, हम कल ही आकर अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना देते और शादी की तारीख तय कर लेते। अबू, आप सच कह रहे हैं? मैं इस उम्र में मजाक करता अच्छा लगूंगा? ठीक है, तो ये खुशखबरी मैं भाई को दे रहा हूँ। अरे नूरीन, कल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाई तुम्हारी बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है, घर की बात है। कोई घर वर की बात नहीं है भाई, हम तो पूरी तरह जश्न मनाएंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। तुम जब बाहर को फोन करो। अरे तुम लोग, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी दादू है कसम से, वरना तुमने मंगनी क्या शादी भी खामोशी से कर लेनी थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बात सुनो, तुम्हारे मंगेतर को क्या नजर लगा देते हम लोग। हद हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो चलो। मंगनी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, सखियां अब गलियां हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। भाई, कैसा लग रहा हूं? अरे वाह, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी मंगनी हो। ओ पागल, मैं मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा फोन ऑन रखना, लंबे लंबे की खबर करूंगा। ऐसा भाई नसीब वालों को मिलता है, मेरी हर खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होता है और मेरे हर दुख में मुझसे ज्यादा दुखी। इस्तेमाल करेंगे साहब। चाचू, ये दादू। अब अगर आप लोगों ने लड़की वाले बनकर हमारा रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया है तो हम भी बाज़ाब्ता तौर पर आपके आगे झोली फैलाते हैं। क्या बात करते हैं भाईजान, अपनी चीज भी कोई मांगता है। फिर भी अम्मा जी, आपकी इजाजत से हम माहीन बेटी का हाथ उमर के लिए मांगने के लिए आए। उमर, लेकिन मेहमान। दादो, लेकिन कुछ नहीं। चाचू आप बस हाँ बोलिए। हमारा लड़का जज्बाती है, गुस्से वाला है, लेकिन आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैंने कब इनकार किया है? हाँ हो गई, मुबारक हो।
मैं ये खुशखबरी उम्र को देकर आता हूँ। चाची आप माहिन को लाएं, फिर रस्म शुरू करते हैं। जबार भाई आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। माहिन तो पहले भी मेरी बेटी है और अब तो मुझे और भी ज्यादा प्यारी होगी। भाभी अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। भाईजान माहिन आपकी बेटी है और मैं उसकी शादी आपके बेटे से ही करूंगा, किसी लय पालक से नहीं। माहिन का रिश्ता मैं जैद के लिए कबूल करता हूं। कम से कम मेरा खून तो है। हम इस तरह अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकते, और वैसे भी माहिन बेटी माहिन बच्ची है। अब खेलने को अंगारा मांगी तो क्या मैं उसे दे दूंगा? अगर तुम चाहो तो मैं जायदाद का कुछ हिस्सा। भाईजान हमारे पास जो कुछ भी है माहिन और जैद का ही तो है, उमर का उस पर कोई हक नहीं। और वैसे भी शायद आप भूल रहे हैं, भाभी और उनके वालिदैन से आपकी एक कमिटमेंट हुई थी कि आप उमर को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देंगे कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस आपकी यहीं तक कमिटमेंट थी। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, जाए यहां से, जाकर अपनी जिंदगी बनाए। मैं ये बात नहीं कह सकता उमर से। तो मैं कर दूंगा। देखो शादी के बाद उस घर का हिस्सा बन जाएगा और उसका बाप हमारा रिश्तेदार था। दूर पड़े का। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप उमर के लिए इतनी कोशिशें क्यों करते हैं, आपको जैद का कोई ख्याल नहीं। और तुम कितनी चुनाक औरत हो, बजाय रहमान का एहसान मानती कि उसने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको जिंदगी में कुछ बनाया, वरना यतीम खाने में पल रहा था वो, और तुम यहाँ साजिशें कर रही थी। मैंने क्या साजिश की अम्मा? अगर रहमान ने उमर के लिए सब कुछ किया है तो मैंने भी तो। तुमने माहिन को ना उमर के जरिए काबू करने की कोशिश की है ताकि उसको जायदाद का हिस्सेदार बना दूं। मगर ये बात कान खोल के सुन लो कि ये जायदाद जो है ना, ये सिर्फ मतलब जायद की है। मैंने तो कभी जायदाद के बारे में सोचा भी नहीं अम्मा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस करो ये बेशर्मी की बातें। तौबा, अल्लाह इस औरत के घर से बचाए। अम्मा जी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मुझे जैद और माहिन का रिश्ता मंजूर है। आंटी अंगूठी पहना दो आसमान। कैसे पहनाऊं? इस अंगूठी की चमक में मेरे बेटे की खुशियां बांध पड़ रही हैं। इधर ला बेटे, मुझे दे, मेरे पोते पोते की बंगी है, अंगूठी मैं बनाऊंगी, मेरा हक है इसको पहनाने का। ले बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो जाओ, बहुत खूबसूरत है। तुम क्या कर रही हो? उठो, सबका मुंह मीठा कराओ। ये गिफ्ट मैं उसे नहीं दे सकता। क्यों? ये तुम्हारे हाथ से जाना चाहिए। हाँ यार, दिल तो मेरा भी ये चाहता है, लेकिन मुझे लगा चाचू मंगनी के बाद कहीं माही को पर्दा ही ना कराना शुरू कर दे। कम ऑन यार, मोहब्बत करने वाले इस तरह नहीं घबराते, और तुम चाचू से डर रहे हो।
अच्छा मुझे जाने दो, वहां मंगनी शुरू हो जाएगी। और फिक्र ना करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और अच्छी तरह से ड्रेसअप हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें ही बुलाया जाएगा। क्यों भाई, आपने अंगूठी पहननी है? आप लोगों ने 10 मिनट भी इंतजार नहीं किया, मैंने तस्वीरें बनानी थी। चलें, मैं उमर को लेकर आता हूं, उसने भी तो अंगूठी पहननी है। फिर डेट फिक्स करनी। इधरा काम मार सके, इधरा लाड ले, इधरा मेरा बच्चा। आजा बैठ जा मेरे पास, मैं सदके हो जाऊं तेरे। ए ठहर जा, ए ये ले मुझे ला, अपनी उंगली ला। ये अंगूठी मुझे क्यों पहना रही है? तुझे तो पहनानी है, और किसको पहनानी है? ए ये लो, मैं सदके जाऊं, मैं बारी जाऊं, मेरा बच्चा पहन ले अब। ये अंगूठी उसको पहना है जिसकी मंगनी है। तुम्हारी तो है। एक मिनट, वो माहीन की कोई ओंगी बोंगी सहेली पसंद आ गई है तो मैं साफ बता रहा हूँ, मुझे कतन कबूल नहीं है। अरे भाई सहेली क्यों, खुद माहीन के साथ हो रही है तुम्हारी मंगनी। ये किस किस्म का मजाक है अम्मी अब्बू? ये मजाक नहीं है जैद, तुम्हारी और माहीन की बात बचपन में तय हो चुकी थी, अब तो बस सिर्फ ऐलान कर दिया गया है। क्या हो गया आप सबको? हम यहां उमर का रिश्ता तय करने आए हैं। अम्मी अब्बू जैद, हमने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, मुनासिब यही होगा कि तुम और माहीन। मैं और माहीन? चाचू खुदा का वास्ता है, मेरे लिए सोचना भी गुनाह है। दादो, चाची, मैंने माहीन को हमेशा उमर भाई के हवाले से सोचा है। अम्मी आप तो सब जानती है ना, हम यहां पे उमर भाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब्बू आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बेटा जब्बार को रिश्ता मंजूर नहीं है। तो आपने अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। उमर मेरा भाई है और माहीन उसकी पसंद है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे ये जालिमाना फैसला कबूल नहीं है जैद। नो, नेवर। जैद क्या हुआ, डेट फिक्स हो गई? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ है? नेवर,
जैद, अम्मी ये जैद को क्या हुआ है? थैंक यू अब्बा, मुझे यकीन नहीं था कि आप चाचू को मना लेंगे। आपका ये बहुत बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी पर, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर देना बेटा। क्या हुआ है? मुझे माफ कर देना। अम्मी Is everything okay, अब्बा? उमर, मैंने कोशिश की थी। चाचू ने इनकार कर दिया, लेकिन जैद ने तो कहा था उन्होंने हाँ कर दी। हाँ की है, लेकिन जैद और माहीन की। ये नहीं हो सकता, मुमकिन है। सब मजाक कर रहे, सब पागल हो गए। भाई तू मेरी मोहब्बत है, तुम कहां से दरमियान में आ गए? मैं कहीं नहीं हूं, खुदा की कसम कहीं नहीं हूं। तो फिर कैसे हुआ ये सब, बोल। मुझे पता ही नहीं था। बकवास करते हो तुम, झूठ बोलते हो। ये तुम सबकी मिली भगत है, सबकी। कसम ले लो, कुरान उठवा ले। पता ही नहीं चला? तुझे पता नहीं? वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे हमेशा से नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे नीचा दिखाने के लिए ये किया उन्होंने? भाई मेरे रिश्ते से इनकार कर सकते थे ना, तो मेरे मुकाबले तुम क्यों हो जैद? मैं कहीं नहीं हूं, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। दूर हो जा मुझसे, जब किसी पे एतबार नहीं। उमर मेरे साथ इस तरह मुझे पीछा। उस माही ने अंगूठी किस तरह पहनी? उसको खबर नहीं होगी, वरना एक क्यामत उधर भी आ जाती। बस कर, बस कर। सब चाचू का कसूर, उन्होंने हम तीनों पे जुल्म किए। ये उन सब का कसूर है, तुम्हारा भी कसूर है ये। क्या करूं यार, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है यार, आई एम सॉरी। मैं क्या करूं, मैं तो खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। मैं माहीन से बात करता, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो ये फैसला रुकवा सकती है। अगर वो तुझे फोर्स करे तो क्या तू ये मंगनी कर लेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मार ले, गला दबा दे, शव की नजर तो दबा देगा। देख, देर हो गया, कुछ कहोगे भी? पहले ही बता दो, पिक्स मैंने नहीं भेजी। बिला वजह सबने डरा रखा था, अब्बा नहीं मानेंगे। मान गए ना? बाहर से कितने ही गुस्सा करते हो, अंदर से तुम्हें पसंद करते हैं। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? पैरों में कुछ नहीं पहना मैंने, मुझे पता था तुम क्या लाओगे। अच्छा सब छोड़ो, ये देखो ये मेरे हाथ में कैसी लग रही है।
पता है मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही थी कि ऐसा लग रहा है इयररिंग मेरे हाथों के लिए ही बनी। क्यों पहनी तुमने इयररिंग? मैं पूछता हूँ क्यों पहनी तुमने इयररिंग? क्या कर रहे हो उमर? उतारो उसको। क्या उमर क्या कर रहे हो? क्या किया है? ये रिंग तुम्हारे लिए जायज नहीं थी। तुम्हारे नाम के रिंग मेरे लिए जायज नहीं थी। ये मेरे नाम की रिंग नहीं है माहिन। तो किसके नाम की रिंग है? आओ मेरे साथ। उमर कहाँ लेके जा रहे हो? क्या है उमर? चाचू, मैं और माहिन एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते। बेगैरत बेटा। चाचू, आपको मुझे जो कहना है कहने, लेकिन अब्बा को कुछ नहीं करिएगा। अभी भी अपने पैरों पर खड़े हो? अभी भी तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने आने की? अम्मी, चाचू मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे जो कहेंगे मैं सुन लूंगा। मैं अपनी सारी गलतियां मानने को तैयार हूं और जिस तरह का आप चाहेंगे अजाला करूंगा उन गलतियों का। आप बस ये जुल्म ना करें हमारे साथ। आपके इस फैसले से मैं माहिन कोई भी खुश नहीं रहेगा चाचू। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं माहिन को बहुत। अपनी नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ में और जैद में फर्क क्या है? खून का फर्क है। तुम्हारी रगों में अगर अब्दुर्रहमान का खून होता तो शायद हमें इतराज न होता। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? साफ साफ लफ्जों में बता रहा हूं कि तुम अब्दुर्रहमान के कुछ नहीं हो, तुम हम सब के कुछ नहीं हो। भाईजान ने एक बेवा औरत और एक यतीम बच्चे को सहारा दिया था। वो बच्चा जो आज हमारी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है कि मुझ में और जैद में क्या फर्क है, तो पता चला कि क्या फर्क है। तुम्हारे कंधों पे हमारे एहसानों का इतना बोझ है उमर कि तुम सर भी नहीं उठा सकते। सवाल करना तो दूर की बात, तुम अपनी जबान भी नहीं हिला सकते। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो चले जाओ यहां से, और आज के बाद मेरे सामने ना आना, और माहिन का नाम लेने की तो जुर्रत कभी भी ना करना। होते
किसी जेवर किसी पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें लेकर आना। हो सकता है तुम्हें कुछ दिन तंगी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। जाने जो माँ के साथ किचन में हाथ बंटवा रहा, बस दो घरों के दरमियान इधर उधर छलांगे लगवा लो। माँ जो है घर के काम भी करे और सबकी खिदमत भी। कल से तुम मेरे साथ किचन में काम करवाओगी, सुन लिया तुमने? कौन? मैं हूँ, रिलैक्स। डर गई थी। अच्छा चलो निकलते हैं, चलो। उमर क्या है? हम ठीक तो कर रहे हैं ना? नहीं, हम गलत कर रहे हैं। देखो मैं जानता हूँ कि हम सही काम गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। माही तुम्हें सारी ये बातें कपड़े बैग में रखने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब जाहिर है हम आउट ऑफ द वे काम कर रहे हैं, अब मसले मसाइल और रवैये तो फेस करने होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे, निकाह करेंगे और हंसते खेलते वापस आ जाएंगे। देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिला सकता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हर मुश्किल वक्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझ पर एतबार है तुम्हें? खुद से इसे तो चलो जा रहे हो तुम दोनों? क्या है तुम्हें, क्या बेचैनी है? हर एक मिनट में करवट बदल रही हो। घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जाकर नींद की गोली खा लो, बल्कि दो चार खा लेना, अम्मा जी के पास है। आप सो जाएं, सो जाएं, मैं नहीं हिलूंगी अब। मम्मी प्लीज हमें रोकिएगा मत। हमने हर तरफ से मजबूर होकर कदम उठाने का फैसला किया। आपके सामने कितनी खुशामदे, कितनी मिन्नतें और कितनी बेइज्जती सही है मैंने, लेकिन कोई ये नहीं समझ सका कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मम्मी अब प्लीज आप हमारे रास्ते को मत रोकिएगा। मैं कब तुम्हें रोक रही हूँ? मैं तो बस दरवाजा बंद करने आई हूँ।
ताकि कल सुबह जब इस घर में कोहराम मचे तो मैं कह सकूं कि वो भागे नहीं है, मेरी इजाजत से गए। कुछ तो भरम रह जाए। मम्मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम तो इस घर का हिस्सा ही नहीं रहे। अगर कोई कहेगा कि आसमा का बेटा लड़की को भगा कर ले गया तो मैं कह दूंगी कि आसमा उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। तो हम लोग क्या करें, इन लोगों की अना पे कुर्बान हो जाए? किसी ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं तो इस घर की बेटी से बात कर रही हूँ। क्या कुछ लेकर जा रही है? कुछ भी नहीं लेकर जा रही, सिर्फ अपने कपड़े रखे हैं। जब लड़का घर से भागता है ना तो अकेला जाता है, बस पीछे माँ बाप के लिए परेशानियां छोड़ जाता है। लेकिन जब लड़की घर से भागती है तो वो घर की इज्जत साथ लेकर जाती है, और पीछे सिर्फ परेशानियां नहीं छोड़ती, सात नस्लों की बदनामी छोड़कर जाए, अपने घर की दहलीज पर जिल्लत का तावीज गाड़ कर जाती है। माइन, प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अपना बैग खोलकर देखो माइन, तुम्हारे कपड़ों के साथ किसी कोने में शायद बदनामी और जिल्लत भी रखी हुई हो, जो तुम्हारे माँ बाप को दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर कर देगी। माहिन, माहिन मेरी तरफ देखो, ये सब पुराने जमाने की बातें, हम आकिल और बालिग हैं, हम अपना खुद फैसला करने का हक रखते हैं पूरा। तो मैं फैसला करने से कब मना कर रही हूँ? अगर माही को ये सौदा मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस घर की जिल्लत के बदले में ये खुशियाँ लेना चाहती है तो ठीक है, जाए जी ले अपनी खुशियाँ। अम्मी प्लीज प्लीज, आप माहिन को डबल माइंडेड ना करें। अम्मी, फैसला तो माहिन नहीं करना है ना, कि तुम उसे ज्यादा अजीज हो या वो माँ बाप जिन्होंने गोश्त के नन्हे से लोथड़े से इसे इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, हर ख्वाहिश पूरी की है, हथेली का छाला बनाकर रखा है, और आज ये वाकई छाला बनकर जाए, जो फूट जाए तो सिर्फ दर्द होता है। माही, नहीं माही, माही तुम इस तरह नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। एक बार सोचो इन लोगों ने किया क्या है हमारे साथ। तुमने लाज रख ली भाई। अच्छा नहीं किया, दुश्मनी की है मुझे, दुश्मनी। क्यों किया मैं आपने ऐसा, क्यों किया? सब मिले हैं, सब के सब एक जैसे हैं, मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारी चॉइस मैं नहीं था, तुम्हारी चॉइस मैं नहीं, वो लोग थे जो मेरे दुश्मन हैं। लानत हो सब पर, ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं है। नफरत करता हूँ सबसे, नफरत। Thank you.
तुमने नाश्ता तो नहीं किया? अम्मी के हाथ के जबरदस्त पराठे और कीमा, और भी बहुत कुछ है, जल्दी से आ जाओ। नखरे दिखाने वालों का यही हाल होता है, ब्रेड और बटर। सोचा था कि सामने आओगी तो ना गले लगाऊंगी ना प्यार करूंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने मां का दिल किस तरह से बनाया कि औलाद सामने आए तो कुछ याद नहीं रहता। इतने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता नसीब हुआ है। बाय गॉड, जब से तुम गए हो ना, हमारा तो खाना पीना ही रुक गया है। तुम खाने दे। खा लिया मैंने। वही सूखा ब्रेड और मक्खन। रहने तो सर, मेरे हाथ का बना नाश्ता से कहां पसंद आएगा। माशाल्लाह इंडिपेंडेंट जो हो गया। अब भी ना होता। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से छुपकर सबको परेशान करके कितने नफलों का सवाब कमा लिया तुमने? आपने मुझे खुद ही अपने शौहर के घर से निकाला था, और तुम आज ही मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हें उस घर में कैसे रोकती जहां तुम्हारी इज्जत नहीं थी, और माहीन को तुम्हारे साथ जाने देती तो सारा जमाना सारी दुनिया मेरी तरबियत ही को गाली देती। ठीक बात, यही तो बात है कि आपको आज भी सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। मुझसे मेरा अपना घर छुड़ाया गया, मेरे सगे रिश्ते छुड़ाए गए और मुझे सौतेलों के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक अमीर कबीर आदमी आपको पुर असाय जिंदगी दे। क्या आप अपने बेटे के लिए थोड़ी सी मुशक्कत नहीं कर सकती थी? उमर, तमीज से बात कर। तुम बीच में मत बोलना, तुम मेरी जगह नहीं हो जाए। तुम्हारे साथ पूरी फैमिली है। मैंने अपना सगा बाप खोया है, और उसके साथ साथ वो शख्स भी खो दिया जिसको मैं अपना बाप समझता था। मैंने अपनी पूरी फैमिली खोई है जैद। उमर, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं उन हालात में वहां नहीं रह सकती थी। हालात खुद पैदा किए जाते, बनाए जाते हैं अम्मी, कई दफा आपके अख्तियार में नहीं होते। मैंने जो भी कुछ किया अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे मुस्तकबिल तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हारे साथ वहां रहती तो मैं ना तालीम मिलती ना तरबियत, और जहां तुम आज खड़े हो ना, यहां ना खड़े होते। ठीक कहा आपने, जहां मैं आज खड़ा हूं वहां तो बिल्कुल ना खड़ा होगा। उमर, उमर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दिल से बदगुमानी दूर हो जाए? अब्दुल रहमान साहब को छोड़ दे। तो उमर जिंदा है? माहीन तो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं माहीन क्या करेगी। अरे इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले, मुझे जैद और माहीन का निकाह करवा देना चाहिए। जैद,
हेलो उमर, प्लीज फोन मत बंद करना। कहो। कैसे हो? ये पूछने के लिए फोन किया? तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो मत कहो उमर, तुम तो कहते थे कि मेरी आवाज सुने बिना तुम्हारा दिन नहीं निकलता। मैंने ख्वाबों में जीना छोड़ दिया मांगे, और बेहतर यही है तुम भी ख्वाबों से बाहर आ जाओ। मैं तो इन्हीं ख्वाबों की उंगलियां पकड़ के पड़ी हुई हूं। तो हाथ किसने छुड़ाया था माही? तुमने। और तुम अच्छी तरह जानती हो जो एक बार मुझे छोड़ दे या मुझे धुतकार दे, मैं उसे मुड़कर नहीं देखता। इस तरह तो मत कहो उमर, मेरी बात तो सुनो। उमर हो गए थे सर। वो माहिन की शादी किसी से भी कर दे, लेकिन वो मेरे घर बहू बनकर नहीं आ सकती। ये फैसला तुम नहीं कर सकती। क्यों? मैं खुश नहीं लगती जैद की, मुझे क्या आया रखा था उसके लिए? ठीक ही कहता है उमर कि अम्मी आपकी हैसियत इस घर में एक आया जैसी ही है। और जिस बेटे के खाते मैंने शादी की थी वो दरबदर की ठोकरें खा रहा है, तुत्कार दिया सबने उसको। ये सिला दिया मेरी रियासतों का। तो तुमने ये सब कुछ उमर की खातिर किया? को ठीक कहता है उमर कि अम्मी आप यहां रह क्यों रही हैं? आप तो एक छोटी सी बात भी नहीं मनवा सकती। आप मेरे पास आकर रहे, मेरे घर में रहे तो ठीक है, जाओ जाकर उसके पास रहो। अपनी कुर्बानियां और अपनी रियाजतें याद है तुम्हें, और जो कुछ हमने किया वो तुम्हें याद नहीं? जाओ जाओ जाके उसके पास रहो, देखता हूं कितने दिन तुम्हें रखता है। जब इस घर में आई थी ना तो बेबसी, गुर्बत और एक बच्चे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं था। आज देखो कहां से कहां उठा के खड़ा कर दिया तुम्हें। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? अम्मा जी ठीक कहती हैं, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। रहमान, जिस तरह तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही ना, उसी तरह ये घर तुम्हारे बगैर भी चल सकता है। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मेरा भी इस घर से दाना पानी उठ गया है। आपका झगड़ा हुआ था अबू से? जैद से कहो कि मुझे एक टैक्सी ला दे, बल्कि कुछ मत कहो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ताई अम्मी, ना मैं किसी की ताई हूं ना किसी की अम्मी, इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। ताई अम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें, आपका कितनी बार झगड़ा हुआ है ताई अबू से, लेकिन आप घर छोड़कर तो नहीं गई। ये सब मेरी और जैद की वजह से हुआ है, आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे, लेकिन प्लीज घर छोड़कर ना जाए। ताइमी प्लीज प्लीज, ताइबू आपने ऐसे क्या कह दिया ताइमी से जो वो इतना खफा हुए? देखिए ना घर छोड़ के जा रही है, प्लीज रोक लीजिए ताइबू प्लीज। देख ले रहमान साहब, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही हूं। कम से कम अब आप मुझे ताना नहीं दे सकेंगे।
आई मीन वो रोक लीजिए ना। खुशबू बता रही थी कि मेरी अम्मी है किचन में। अब तुम बातें मत बनाओ, जल्दी से नाश्ता करो वरना लेट हो जाओगे काम पर जाने से। तुम्हारे अब्बा की फैक्ट्री नहीं है कि जब मर्जी आई चले गए? अम्मी, अब तो उन्हें मेरा अब्बा कहना छोड़ दे, मैं इस मनसब से बाज़ाब्ता तौर पे फारिग हो चुका। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी ना, लेकिन अगर उनके एहसान गिनने बैठूं तो शायद कभी भी ना पड़े। क्या अब सारी जिंदगी उनके एहसान गिनती रहेंगी? अच्छा ये बताएं कि इतने सारे पराठे किसके लिए बन रहे? कहा ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जैदा है जी, मैं भी आया हूं और आपका सामान भी लेकर आया हूं। ऐसे ही आ गई थी आप तो। हाँ हाँ तुम तो हंसो, मेरी पूरी माँ हत्याली तुमने और अकेले नखरे उठवा रहे हो। और जो तुम्हारे पास पूरे के पूरे अब्बा छोड़ आया हूँ, जाओ जाके उनसे नखरे उठवाओ। तुम दोनों बातें बंद करो और मुझसे नखरे उठवाओ। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, बैठो। तुम तो साफ करके आ। तुम्हें क्या? जैसा हूं ठीक हूं। क्या लड़ने की मूड से है? कैसे लड़ूंगा? ये लो। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, आलू वाला पराठा चाहिए। ठीक है बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आलू उबलने रख दूं। हमेशा इसी तरह मेरी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए आप खड़ी हो जाती। मैं उम्र की चीज मांगता तो इसको समझा के मुझे दे देते थे। क्यों? कभी तो रोका होता, कभी तो वो एहसास दिलाया होता जो अब्बू उम्र को दिलाते थे। सैयद बस करो ड्रामेबाज। कभी तो बताया होता कि मैं आपका बेटा नहीं, जिस तरह उम्र अब्बू का बेटा नहीं। चल बताया ना होता, चिता तो सकती थी। तुम मेरे बेटे हो सहन। नहीं, मैं आपका बेटा। सिर्फ कह देने से अगर उमर अब्बू का बेटा हो सकता तो घर से बाहर ना होता। जैद क्या कह रहा है? अगर ये तय था कि हमें एक साथ नहीं रहना तो हमें एक फैमिली की आदत डाली क्यों? उमर देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, इंसाफ तो हुआ ही नहीं। इंसाफ तो वाकई नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम सारी जिंदगी मेरे हिस्से की मोहब्बत लेते रहे जिसपे तुम्हारा कोई हक नहीं था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
तुम्हारे बाप की जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं था। भाई भाई मत बोलना, ये किस्सा खत्म हो गया। सैयद अब्दुल रहमान, सारी कहानी वाजे है मेरे सामने, और मैं और तुम बिल्कुल अलग है। मैं तो तुम्हारे पास अपनी फीलिंग शेयर करने आया। कोई जरूरत नहीं, तुम लकीर के उस तरफ हो और मैं इस तरफ। कितनी संदिली से कह रहे हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। ऑलरेडी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं, समझे तुम? ये सिर्फ मेरी मां है, और जिस तरह तुम्हारे बाप पे किसी का कोई हक नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मेरी मां पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जैद उमर, इस तरह की बातें मत करो। क्यों ना करूं? आप भूल गई मुझे किस तरह निकाला गया था उस घर से? वो बेइज्जती, वो लफ्ज, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तरफ गौर से देखो, मैं वही जैद हूं जिसकी हर गलती तुम अपने सर लिया करते थे, जिसकी खातिर तुम लोगों को पीटते थे, खुद मार खाते थे। मैं तो वही जैद हूं, लेकिन मैं अब वो उमर नहीं। अम्मी, उमर, जैद बेटा, प्लीज अभी यहां से चले जाओ। ये डिजर्व नहीं करता उमर। तो क्या मैं डिजर्व करता था जो सब कुछ मेरे साथ हुआ? अम्मी, अब सब अपना बोझ खुद उठाएंगे, मैं अकेला नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ इतना जहर था, ये एक सेकेंड में उसे निकाल कर बाहर कर दिया। सोचा तो होता, इतना सा था वो जब मेरी गोद में आया था। आपकी गोद का हकदार वो नहीं था अम्मी, मैं था। सब अपने ठिकाने पे आएंगे, और ये मेरा नहीं, वक्त का फैसला। ये सब क्या है? ये सब तुम हमेशा चाहती थी ना, कि मैं तुम्हें बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज करूं। तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? प्रिंसेस, will you marry me? Umar? Yes or no? Of course.
कोर्स, यस। मैं माही, कल भी मेरी थी, हमेशा मेरी ही रहूंगी। आप उस लम्हे को थोड़ा और रोमांटिक बना दे। जी नहीं, एक सेल्फी होनी चाहिए। फोन तो घर पर ही भूल आई। कैमरा को छोड़ो, कैमरा हर चीज कैप्चर नहीं कर सकता। अच्छा, मसलन जैसे तुम्हारी आंखों में इन दियों का चमकना और तुम्हारे अंदाज में खुशी का झलकना। ये देखें, ये क्या है? ये वो घर है जो मुझे आपके लिए बनाना है। उस घर से कई ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा कीमती। वाकई? जी। अच्छा देखें, ये हमारे घर की एंट्रेंस होगी। आप कुछ ऐड करना चाहती तो करें। कुछ भी ऐड नहीं करना, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन नहीं जान, एक बात याद रखना, पत्थर से बने घर रिश्तों का नेमुल बदल नहीं होते। आप ठीक कहती, मैं इस घर को माहिन के बगैर तसव्वुर नहीं कर सकता। तुमने जब कहा था ना कि तुम्हारे बेडरूम की खिड़की रोने खुलेगी, मैं तभी समझ गई थी। कितनी लंबी उम्र है सड़की की। हाँ माहिन, बोलो। आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने तुम्हें याद किया है। क्या हुआ मैं? मैं अपनी हार्ट अटैक हुआ है, मुझे जाना है। जबार भाई, जबार मेरे मां कैसे? अभी बेहतर है, आप जा सकती हैं मिलने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू देखें, प्लीज बाद में गुस्सा कर लीजिएगा। बात सुनो, मेरे भाई को ना तुम्हारी मदद की जरूरत है ना दुआओं की। उनका बेटा उनके पास मौजूद है। तुम्हें मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचाकर सुकून नहीं मिला जो यहां चले आए? जाओ यहां से। सीवियर हार्ट अटैक है, हालत खतरे से बाहर नहीं है। उम्र नहीं आया। अम्मी आपने अब्बू के साथ अच्छा नहीं किया। सर मैंने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। सर मां बनकर सोचा ये भूल गई कि रहमान भी मेरी जरूरत है। तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मेरे ख्वाबों में रंग भरने से पहले ही लकीरें बिखर जाती। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता? अम्मी, अब्बू को होश आ गया। आपकी दुआएं कबूल हुई अम्मी। अल्लाह का एहसान है बेटा, उसने जिंदगी बख्श दी। करम है उस जात पाक का कि तुम आज भी मुझे अम्मी कहते हो। क्या यह हक आप उसे छीन लेंगी? कभी भी नहीं। उन्होंने अबू को कमरे भी शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा एक एक करके मिल सकते हैं, लेकिन लंबी बात नहीं करेंगे। अम्मी, सबसे पहले आप जाइए, आपको देख के उनको हौसला मिलेगा। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। केयरफुल सून। थैंक यू। अमी, प्लीज। माही, बेटा तायब को एक आर्ट कर दो, मैं भी आती हूँ। आप भी चलेंगे? उमर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं रहमान को हॉस्पिटल में छोड़ के तो नहीं जा सकती। कब डिस्चार्ज होगा? इंशाल्लाह आज हो जाएंगे। आप जब से घर पे नहीं है, घर का सारा निजाम खराब हुआ। आप होती हैं तो सब नॉर्मल होता। कुछ दिनों की बात है, प्लीज गुजारा कर लो। ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत? नहीं, जैद है ना, लेकिन रात को ठीक से सोए थे या जागते रहे? ये बातें जब आप घर आएंगी तो करेंगे। ठीक है, और घर आकर मुझे तुम्हें भी बताना है, तुम्हारे घर के नक्शे के बारे में मैंने कुछ सोचा है। वो नक्शा तो खराब हो गया। मैं कैसे पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। अल्लाह। उमर, उमर लिसन, अपना सेल फोन दो। क्यों? तू ना क्या कर रही हो? अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रही हूँ, क्योंकि जब तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था तो मैंने सिम तोड़ दी थी। दोबारा कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं किया कि कहीं दोबारा ना ब्लॉक कर दो। अब तब ब्लॉक करना जब तुम मुझे अपने दिल और जिंदगी दोनों से निकाल दो। अब जाओ। दिल तो नहीं चाह रहा, ना जाओ। खुदा हाफिज़। डॉक्टर कह रहे थे कि आपको रोज सुबह वॉक करने के लिए जाना चाहिए, और वैसे आपकी तबीयत तो पहले से बेहतर है माशाल्लाह। अम्मी, अबू,
आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आए। इसको क्या हुआ? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, दोनों को बुलाया तो दोनों चलते हैं। तो लाइट कभी भी नहीं जाती। ध्यान से। जैद। हैप्पी एनिवर्सरी। आजा। ये क्या बचपन है? अरे नहीं, 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 आपने हाथ नहीं छोड़ना, हाथ पकड़ कर एक साथ टेबल पर गाना। अरे अरे अरे, प्लीज प्लीज प्लीज। हैप्पी एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी। एक भी है। चलें केक काटें। अब केक भी काटना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बच्चे हैं बिल्कुल। क्या चलो आ जाओ। ये कसूर जिसका भी हो, सजा सबको देते हो। मुझसे तो बात करो।
आप यहाँ क्यों आई? खाना खाया तुमने? आप जब नहीं थी तब भी खाना खा रहा था और बाकी की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। बहुत बड़े हो गए हो ना, अब मेरी जरूरत नहीं रही तुम्हें। मुझे आपकी जरूरत थी अम्मी, इसीलिए आपको लेने गया था, मगर आपने मुझे नहीं उन लोगों को प्रेफरेंस दी। आपके लिए वो सब कुछ है, मैं नहीं। पहले खाना खा लो फिर बैठकर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी बातें करेंगी और मैं बहल जाऊंगा? मैं बच्चा नहीं रहा अम्मी। तो अगर बड़े हो गए हो तो बड़ों की तरह मामलात को सुलझाना सीखो। आप क्यों उन लोगों को छोड़ के मेरे साथ नहीं रह सकते? उमर वो मेरा घर है। एक औरत अपने शौहर और घर के बगैर नामुकम्मल होती है, मगर अपनी औलाद के बगैर मुकम्मल हो जाती है। मोहब्बत को दायरों में कैद मत करो उमर। मेरे वहां रहने से मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं रहमान को अकेला कैसे छोड़ दूं? वो घर भी मेरा है, ये घर भी। लेकिन मुझे तकसीम मंजूर नहीं। अब तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा करोगे? नहीं करता। आप मुझे बस एड्रेस दे दें। किसका? मेरे बाप का। हाँ मैं। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? दुनिया के आखिरी किराने नहीं पहुंच गए थे तुम जब मैं तुम्हें ढूंढ ना पाती? नॉट बैड। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलना आई हूँ। तुम तो हवा के झोंके की तरह आकर चले जाते हो। गुस्सा जिसका भी हो सबके साथ मुझ पर भी उतारना होता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने तुम्हारे इंतजार का वादा किया हूं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें देखे बगैर, तुमसे बात किए बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता, क्योंकि मैं तो वो बेल हूं जो दीवार के सहारे आगे बढ़ती है, और मेरा सहारा तुम हो। बस हो गया? जितना वक्त इस डायलॉग को याद करने में लगा है ना, उतना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लेती तो ये पता चल जाता कि उसमें मैं कहीं नहीं हूं। खुद को संभालो माही, तुम इस हालत में देखेंगे सब सवालात करेंगे, मेरे लिए मसला क्रिएट होगा। खाना खाओ दिया उसने मेरा।
इस तरह मत करो माँ। वो मेरी जिंदगी की वाहिद कुछ था मैं, मोहब्बत था मेरी, और आज के दिन का मुझसे नफरत है। क्यों हो गई तो फिर? क्या मेरा चेहरा बदल गया? वो बदला है माही। पहले भी से सकती हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मम्मी से दूर तो जा सकते हैं, मुझसे नफरत नहीं कर सकते। ताकि मुझ करें मैं बाबा की शोक परशोक नहीं। मेरी जान, खुद को संभालो, खुद को संभालो माही। मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए, प्लीज चेहरा नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये बस चाहिए, मुझे वो चेहरा नहीं चाहिए। पापा कितना क्यों रो रही हैं? अरे रो लेने दे पगले, खुशी के आंसू है। अरे मैं तो समझती थी जीते जी तेरी शक्ल नहीं देख पाऊंगी मैं। अगर इतना ही याद आता था तो कभी मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आया? तुझे क्या लगता है तुझसे मिलने हम नहीं आए? अरे आए थे, लेकिन तेरी माँ ने हमें मिलने नहीं दिया। क्यों? अरे क्यों मुझे क्या पता, दूसरी शादी क्या कर ली, उसके तो तेवर ही बदल गए। अरे करना था तो कर लेती, कम से कम हमारे भतीजे को तो हमसे दूर ना रखती। मेरे भाई की इकलौती निशानी, साफ मना कर दिया। उमर परेशान होगा, और फिर तुम्हारे ताया दीदी बच्चे समेत सब कुछ बेच बाज कर जद्दा चले गए। अरे पलट के एक बार भी फोन तक नहीं किया। कम से कम इंसान ये पूछ ले कि मेरी बेवा बहन किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गए, कोई चीज की जरूरत है? अकेला तना छोड़ के चले गए। तुम्हें देख के लगता है मेरा बना बना इब्राहिम भाई मेरे सामने आ गया, मेरे सामने बैठा। मीने ना आपके साथ अच्छा किया और ना ही मेरे साथ। यही तो मैं कहती हूँ, बड़े घर में शादी क्या हुई, उसके तो तेवर ही बदल गए। आग तक नहीं मिला के बात करती, हालांकि मैंने उसे वादा लिया था। अरे कम से कम ईद शबे बरात पे ही मेरे भतीजे से मेरी मुलाकात करवा देना, लेकिन ना टस से मस नहीं हुई, एक ना मानी मेरी। अच्छा अच्छा, अब आप रोए मत। देखें मैं अब आपके पास ही आ गया हूं। हाँ मेरा बेटा, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मुझ पर कि मैंने अपने जीते जी तेरी सूरत देख ली। उमर, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये तुम्हारी अपनी है? जी पापा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह क्या शानी बेनियाजी है, कती घोड़ी बेच के सो रही है कौन? सामान भी नहीं है, मम्मी भी हद करती हैं, पता नहीं किस किस को घर में घुसा लेती हैं। कोई नाम पता, आईडी कार्ड कुछ तो होगा। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। मेरा वॉलेट चोरी करी थी? मैं क्यों करूंगी ये? तुम हो कौन? मतलब जो सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए वो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। वाह तुम फरवा हो। और तुम उमर इब्राहिम, ये बात मैं कैसे मानूं? अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। शर्म करो, अपनी माँ को बेवकूफ कह रही हो। उमर अब्दुलरहमान? जी, मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की थी अब्दुल रहमान साहब से। क्या हुआ, अब क्या निकाहनामा उनका जमा करवाना पड़ेगा? ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं अपने बाप के घर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं किसी का जवाब देने ही हूँ, अंडरस्टैंड? हाय अल्लाह,
तुझे क्या जरूरत है किसी के सवालों के जवाब देने की, और तुझे क्या जरूरत है मेहमानों से इतने सवाल जवाब करने की। तो फिर ठीक है अम्मी, रखिए आप अपने मेहमान का ख्याल, मैं जा रही हूँ। अपना चले तू, खाना तो खाती जा। नहीं खाना मुझे खाना। ये क्या कह के चली गई? अरे कुछ नहीं, जरा जो है ना गुस्सा दिमाग पे चढ़ गया, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ ला दो बेटा। नहीं थैंक यू सर, मैं आती हूँ। हाँ जी। मुझे लगा कि मैं कॉल नहीं करूंगी तो तुम कर लोगे। मैंने जरूरत महसूस नहीं की। ठीक है बेटा, औलाद का रिश्ता ही शायद जरूरत का होता है। माँ बाप की जरूरत पड़ी तो याद आ गए, ना जरूरत पड़ी तो नहीं आए। अम्मी कोई काम था आपको? नहीं बेटा, माँ का रिश्ता जरूरत का नहीं होता। मैं बगैर काम के भी तुम्हें याद कर सकती हूँ। कहाँ हो? वहां जहाँ मुझे होना चाहिए, अपने लोगों में, अपने बाप के घर। तुम हैदराबाद चले गए हो? जी हाँ, और खुशकिस्मती से मुझे यहाँ पे जानने और पहचानने वाले लोग मौजूद हैं। उमर तुम? सॉरी अम्मी, फैसला हो चुका, मैंने अपनी बुनियाद को छू दिया, मैं अपनी जमीन पे खड़ा हूँ। यहाँ मुझे जानने वाले बहुत लोग, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। एंड आई होप अब आप मुझे बार बार फोन करके तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आप भी अपनी दुनिया में हैं और माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। ठीक है बेटा, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। यही अजम था कि तुम्हें किसी काबिल कर दूं। अब तुम मुड़ना सीख गए हो तो खुदा से यही दुआ है कि आसमान को तुम्हारे लिए वसी कर दे। जा रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मेरे दिल की तसल्ली के लिए काफी है कि तुम मुतमईन हो। मैं क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा मुझे जल्दी से खाना दे दें, मुझे अबू के पास जाना ऑफिस। लाती हूँ। इसको किसने बताया कि मैं हैदराबाद किस लिए जा रही हूँ? मैं क्यों बताऊंगी? ताई अम्मी आपने देखा नहीं था ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था? किस तरह से बात कर रहा था? मेरा लहजा तुम्हें बुरा लगा? और जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, इतनी इंसल्ट की, उसके पीछे तुम हैदराबाद जा रही हो? तुम उमर से अपना मुकाबला मत करो। हाँ उसे तो तुम सात खून माफ कर सकती हो ना। जैद तुम मेरे बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। मेरा जो जो चाहेगा मैं करूंगी। बस कर दो तुम दोनों। अमी, आप इस उम्र के पीछे हैदराबाद भेज रही हैं? कितना ऑकवर्ड लगता है। सर मैं इसे नहीं भेज रही। अगर ये आपकी सगी बेटी होती तब भी स्टूपिडिटी में आप इसका साथ देती? तुम ताई अम्मी से इस तरह बात मत करो। ये मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो सर, मैं हैदराबाद हर कीमत पर जाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। एंड आई रियली मीन इट। भूख लगी आपको? अरे भूख निगोड़ी कहाँ लगती है, आते सूख गई है। मछली की खुशबू आ रही है, कहीं आस पड़ोस में पकी है? आस पड़ोस में नहीं अम्मी, हमारी घर में बनी है। हैं? उमर लाया होगा? जी
भला करे इसका, ये खिचड़ी तो खा खा कर मेरा मुंह का जायका खराब हो गया है। लो माई, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा लो। तुम नहीं आओगे? नहीं, ये फासला तो मैं खुद ही तय कर रहा हूं, क्योंकि ये मुसाफत तुमने खुद चुनी है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। वाकई मैं यहीं होटल में ठहरूंगा, जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेना। अपना ख्याल रखना। मेरा एक काम कर दोगे? बोलो। लेकिन वादा करो कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे और मैं जो काम कहूंगी वो कर दोगे। फरवा, मैं बगैर सोचे समझे वादे नहीं करता। ये भेज दोगे? ये क्या? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। लेकिन फरवा, इसकी क्या जरूरत है? उमर, मेरे लास्ट सेमेस्टर की फीस जानी है और मैं नहीं चाहती कि वो मिस हो। पप्पो को पता? नहीं, उनको नहीं पता और उनको बताना भी नहीं है। ये मेरे अबू की आखिरी निशानी है। तुम पे मैं और कितना बोझ डालूंगी उन्हें? ये भेज दो, मेरे काम आ जाएंगी। मेरी अम्मी के पास भी एक पास एक थी, मेरे अबू की आखिरी निशानी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको जाके बेचूं और मैंने बेच दी। आज तक अफसोस है मुझे तो मैंने अपने पास रखा। नहीं उमर, अब तुम मुझे कहोगे कि मैं तुमसे पैसे ले लूं, ये मैं नहीं कर सकती। तो तुम प्लीज इनको बेच दो। कर समझ के ले लो, मगर इन्हें नहीं बेचना। माही तो यहां कैसे आई? चल पर भाई, ये मेरी कजिन है माही। अरे माही, माही ने इसमें बाहर क्यों खड़ी हो? ये घर तुम्हारे लिए इतना भी अजनबी नहीं है। उमर से बहुत बार तुम्हारा जिक्र सुना। अंदर आओ, अम्मी भी अंदर। आप आ जाओ। बहुत जिक्र किया उमर ने तुम्हारा, अम्मी भी तुमसे मिलना चाहती हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने माहीन को यहाँ क्यों भेजा? मैंने उसे नहीं भेजा, वो खुद आई है। मैं बता चुका हूँ आपको कि मैंने उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। उमर, वो तुम्हारी खातिर अपना खानदान छोड़ने के लिए तैयार है। वक्त गुजर चुका है और वक्त गुजरने के बाद ये सारी बातें बेमायनी हो जाती हैं।
अब ना ही मेरे अंदर कोई तलब है और ना ही चाह। मेरे बेटे, अपनी अन्ना से बाहर निकल कर देखो, तुम्हारे अंदर वो चाहत भी होगी, वो तलब भी। आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं अपने माजी से उस खानदान का नाम ही खुरच दूं। माजी कभी साथ नहीं छोड़ता उमर, तुम अभी तक ये बात समझ नहीं पाए। आप प्लीज माहीन से कहें कि वो वापस आ जाए। वो अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी। मुझे तो वो सड़की पर तरस आने लगा है। वो किसके लिए इतना ख्वार हो रही है? उसके लिए जिसका दिल ही मर चुका है? ठीक है, तो फिर अगर वो अपनी मर्जी से यहां आई थी तो अब अपनी मर्जी से ही जाएगी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहीं आके बैठ के भी अच्छा लग रहा है। रात और तन्हाई इंसान की खुद से मुलाकात करवा देती। बैठ। रात और तन्हाई हमसे बहुत से एतराफ भी करवा देती है जो शायद हम कभी दिन की रोशनी में नहीं कर पाते। आज एक एक एतराफ भी कर लेते। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जिसका मुझे एतराफ करना। हाँ, लेकिन तुम्हें एतराफ की जरूरत है। मोहब्बत को रुकाया नहीं करते वरना बद्दुआ बन जाती है, और अगर लग जाए ना तो जीने नहीं देती। बद्दुआ लग गई है मुझे। तुम उससे मोहब्बत का एतराफ कर लो। राफ का मौसम गुजर गया, अब तो मुकरना चाहता। लेकिन क्यों? मैं रेडी पर पड़ा प्लास्टिक का गुड्डा हूं फरवा, जो माहीन को तो पसंद आ गया लेकिन उसके बाप के मेयार पे नहीं होता। उसका बाप अपनी बेटी के लिए मेयार वाला खिलौना चाहता। वो अपनी बेटी के लिए खिलौनों में स्टैंडर्ड्स पसंद करते हैं। उमर, सवाल बाप के मेयार का नहीं है, सवाल तो ये है कि माहीन की नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है। परवा, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं उसको कितना चाहता। काश मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूं। वो मेरी रूह का हिस्सा थी परवा। उसके बगैर तो मुझे ये लगता है कि मैं एक खाली जिस्म लिए थे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मोहब्बत उसे तकलीफ देगी ये मैं जानता हूं। मैं उसे दुख दे रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन इसके सिवा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। मैं उस कश्ती का मुसाफिर ही नहीं हूं जिस पे माही सवार। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। तुम परेशान नहीं हो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे कहकर गई थी किसी कॉलेज के सेमिनार में जा रही है और बकवास मत करो। अरे भाई, तुम उसको क्यों मार रहे हो? इसको सब पता है माँ जी। पता है बेटा तो बता देना इसको। ये ऐसे नहीं बताएगी माँ जी, मैं इसको जान से मार डालूंगा। अरे 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 जबाद, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। कहाँ है माही? उमर, उमर के पास गई। क्या
सुमन के पास गई है? हैप्पी बर्थडे। ये क्या है उमर? कुछ भी नहीं, पुप्पो बता रही थी कि जब से तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई है तुमने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दी, तो हमने सोचा कि आज पुरानी यादों को ताजा करते हैं। लेकिन उमर मेरी बर्थडे लास्ट मंथ गुजर चुकी है। तो क्या हुआ, डेट तो यही थी ना, क्यों पुप्पो? और नहीं तो क्या, इसमें क्या हर्ज है, इतने शौक से लेकर आया, अब काट लो ना केक। उमर तुम मेरी बात सुनो, प्लीज जाके अभी माहीन को देखो। उसे क्या हुआ? पता नहीं, बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही है। वो हमेशा अजीब सी बातें करती है, छोड़ दो उसे। उमर तो मेरी बात ही समझ रहे हो, छोड़ दो उसे। ठीक कह रहे हो उमर, तुम्हें अपना केक काटना चाहिए, नहीं काटोगी तो इंसल्ट होगी ना, केक की भी और उमर की भी। और उमर की इंसल्ट हो ये उमर को बिल्कुल पसंद नहीं। माहीन, अरे अब ज्यादा नखरे ना दिखाओ, तुम तो नवाजी गई हो उन खुश नसीब लोगों में से हो जिनका बर्थडे उमर को याद रहता है। हाँ लेकिन माहीन आज मेरा बर्थडे नहीं है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारे लिए उमर गिफ्ट भी लाया होगा। एक काम करो, एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी रख लो, ये लो। नहीं नहीं माही, मुझे नहीं चाहिए। माही पहनो। माही मुझे नहीं चाहिए। चलो केक भी काट लेते। माही क्या कर रही हो? माही अरे काटो। हैप्पी बर्थडे। क्या हो गया लड़की? अरे किसी ने बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया, गाइए, सेलिब्रेट कीजिए, आज तो जश्न का दिन है, चले इसको सेलिब्रेट करते। ये लो माहीन, थोड़ा और सेलिब्रेट करते। माहीन नहीं नहीं माहीन, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम क्यों खामोश हो, बर्थडे सॉन्ग गाओ, सेलिब्रेट करो। छोड़ो, क्या हो गया इस लड़की को, पागल तो नहीं हो गई? अब तू क्या भावलोक की तरह खड़ी है, जा जाके मुंह धोकर आ। इधर आ। क्या बेहूदगी थी ये? इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? बस अब इससे ज्यादा तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जिसके साथ आई हो ना उसको कहो यहां से लेके जा तुम्हें वापस। खुद ही फोन करता हूं। हेलो, हाँ ये जो तोहफा छोड़ के गए हो ना मेरे लिए, फौरन आओ और इसको वापस लेके जाओ। क्या बदतमीजी की है तुम, क्या पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता चले पागल मैं बहुत पहले से थी, अब तो होश में आई, पागलों की तरह तुम्हें चाहती रही, तुम्हें अपना मानकर तुम्हारे गिट चक्कर लगाती रही, तुम्हें अपना सब कुछ मानकर तुम्हारी नफरत को गुस्सा समझकर पीती रही। यहां सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश मत कर। गौर से देखो मुझे, मैं एक जीती जागती इंसान हूं, चाबी की गुड़िया नहीं कि जब तुम्हारा दिल चाहा तुमने बटन दबाया और मैं नाचने लगी, और जब तुम्हारा दिल नहीं किया तुमने बटन नहीं दबाया तुम्हें चुपचाप खड़ी हो गई, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम कहो मुझसे मोहब्बत है और मैं खुशी से नाचने लगूं, और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम कहो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है और मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। मोहब्बत कोई कच्ची पेंसिल से लिखा लफ्ज नहीं उमर, कि जब दिल चाह लिख दिया और जब दिल चाहा मिटा दिया। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना माही। क्यों, फेस करने की हिम्मत नहीं? क्योंकि आज तुम्हारे सामने तुम्हारी मोहब्बत नहीं, माहीन अब्दुल जब्बार खड़ी है। करो फेस। मुझे खुशी है
क्या तुम्हें होश आ गया? हाँ, होश में आ गई हूं, और होश में आने के बाद तुम्हें अपने सामने देखकर लानत भेजती हूँ खुद पर। तुम हो वो उम्र जिसके लिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी, और मैं यहां चली आई। तुम तो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। तुम क्या मुझे जाने के लिए कहोगे? मैं खुद यहां अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत का हाथ पकड़ कर आई थी, और आज अपनी मर्जी से इस मोहब्बत को यहां दफन करके जा रही हूं। मेरी दुआएं हूं जिंदगी में एक बार तुम इस मुकाम पर हो जहां आज मैं खड़ी। मैं तो कब से इस मुकाम पे खड़ा हूं मैं। प्लीज मुझे यहां से ले जाओ, अगर मैं एक मिनट भी यहां रुकी तो मर जाऊं। करा क्या? घर वाले गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम खामोश रहना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। उन्हें पता चल गया? माहीन आ गई है। जाओ उसे फूलों का हार पहनाओ। अस्सलाम वालेकुम। हट। अरे मैं नहीं जानती तुम कौन और वो कौन है, और तू तो बड़ा ही बेगैरत और जलील इंसान है। दादो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम वहां क्यों गए थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम दोनों की सूरत नहीं देखनी। बेहूदा उठे, चल माही, चलो मेरे साथ कमरे में चलो। ये कहीं नहीं जाएगी। तुम बहुत बदनसीब हो मैं, तुम्हें तो एहसास ही नहीं कि तुम क्या खो रहे हो। अम्मी मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की है कि वो खैरियत से पहुंच गई कि नहीं। हाँ पहुंच गई है, और अब उसे भी समझ में आ गया है कि जिसे समंदर समझकर वो निकली थी शराब। पान ये क्या कर रहे हो? आस्तीन के सांप सुने बात थी, देखा आज।
जबरदस्त रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना जलील इंसान। अपने घर की इज्जत बेचने चले थे तुम, ये क्या कर रहे हो जबार? होश के नाखून लो। अरे होश अभी तो आया है। अरे रहमान इसको रोको। जबार होश करो, ये क्या कर रहे हो? होश करूं? जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद भी होश करूं? और ये मेरी औलाद इस काबिल है कि मैं उसको बेटी कहूं? तुम्हें वापस घर आते हुए शर्म ना आई? जबार सब्र से काम लो, हम बैठकर बात कर लेते हैं। सब्र से काम लूं? इन हालात में मैं सब्र से काम लूं? और क्या बात करूं, कहां गई थी ये, क्या करके आई है? मुझे तो मर जाना चाहिए। ठीक कहते, मुझे शर्म से मरना चाहिए। खुदा उस बच्ची पर रहम। अम्मी चाचू, खुदा के लिए प्लीज हमारी बात सुने, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सैद चुप कर जाओ, एक लफ्ज भी अगर तुमने अपने मुंह से निकाला, क्या हो गया तुम्हें मेरे भाई? ये क्या करने जा रहे थे? या अल्लाह, ये मैं दिन देखने के लिए जिंदा थी कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने जान लेने लगा अपनी। माहीन अल्लाह तुझे समझे। ये मेरी औलाद नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं समझूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। अरे जब बाहर बेटियों को घर से नहीं निकाला जाता। ये मेरी बेटी नहीं है, आज से ये मेरे लिए मर गई है। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना आज मैं या तुम्हारी अपनी जान ले लूंगा। भाईजान इसको कह दे यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। और आज के बाद मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं। सामने थे तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता था, तुम हटे हो तो रास्ता भी नजर आता है, मंजिल भी। मैं तुम्हें अपना आसमान समझती थी, कितना गलत सोचती थी। और अब मैं अपना आसमान खुद बनूंगी। अभी तक आया क्यों नहीं? मैं लेट कर दिया, मैंने कहा अभी तक इलाज तुम्हारे साथ करूंगी। तो शायद मैसेज भी नहीं देखा। उमर कहां रह गए थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो आजा आजा, अंदर आजा, अपना ही घर है। हाँ,
पढ़ जाए। हमीदा आप? हाँ मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। शुक्र है पहचान लिया तूने। अब अस्सलाम वालेकुम मामानी जान। मेरी बेटी फरवा। हाँ तू क्या पहचानेगी, मिली होती तो पहचानती ना। अब ये आपका भाई? दोपहर को आ गई थी। तुम्हारी इतनी जुरत की तुमने मेरा रास्ता रोका? नहीं साहब नहीं, बहुत धक्के खा लिए, अब नहीं खाऊंगा धक्के। लगता है जेल तुम्हें रास आ गई है। दोबारा जाना चाहते हो क्या? जाना चाहता हूँ, लेकिन अब की बार कुछ करके। तुम चाहते क्या? तुम्हारे सारे पुराने हिसाब बेबाक कर दिए थे मैंने। नहीं साहब नहीं, मैंने मुफ्त में जेल की हवा खाई है। मेरे पीछे मेरे बच्चे बीमारी और भूख से मर गए। मेरे घर वालों को मालिक मकान ने रोड पे खड़ा कर दिया। क्या मिला मुझे? बड़ी खिदमत की है मैंने आपकी, मिला क्या मुझे? सिर्फ बदनामी, मेरे नाम के साथ लग गया मुजरिम। कसम है जब्बार साहब, अब हिसाब पूरा होगा, या तो मैं मरूंगा या फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्से में क्यों आ रहे हो? कल सुबह फैक्ट्री आ जाना, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। जब्बार साहब अब टालने वाली बात ना करना, वरना बहुत पछताओगे। मैंने कहा ना करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती हो गई। कुछ नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है मेरे साथ। आप क्या जाने औलाद का दर्द किसे कहते हैं। करता हूँ ना कुछ तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी औलाद के लिए भी। लेकिन जब्बार साहब अब की बार कोई होशियारी ना करना, वरना बहुत पछताओगे बहुत। सुबह तुम फैक्ट्री आ जाना, बल्कि तुम डायरेक्ट मेरे कमरे में आ जाना, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। इसकी टांगें तोड़वानी पड़ेंगी। मुसीबत है जैद, मुझे देखने दो। नहीं भाई, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, अगर कुछ हो गया तो गिर पड़ोगी। इतना कमजोर नहीं रहा है मेरा, बहुत गुस्सा है इसमें। तो बस फिर से रेडी हो जाओ। महीन चप्पा। ओह नो। अरे तुम पास हो गई हो। बदतमीज। सबको बता कर आती हूँ। देखो ना, इतने मुश्किल हालात और टेंस सिचुएशन में एग्जाम दिए थे, फिर भी पास हो गई। तुम रो क्यों रही हो? रो तो नहीं रही, खुशी के आंसू में। दादू को बता कर आती हूँ। आई नो, खुशी के आंसू में, क्योंकि पहले ये खबर तुम उमर को दिया करते थे। नहीं मैं सीफूड नहीं खाऊंगी। हाँ बेबी तो नूडल्स खाएगी ना। हाँ खाऊंगी तो मैं, मसला है। तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई? भाई मैं तो बहुत थक गई। कहीं और चले? मेरा इम्तिहान ना लूँ उसे।
हम यहां से नहीं जाते, वो इसको तुम्हारी कमजोरी समझे। बेटा आखिरी बार आकर अपनी मां का चेहरा देख लो। क्यों उन्हें क्यों देख लूं? क्योंकि अब सारी जिंदगी नहीं देख पाऊंगी, वो मैं छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए। तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा माही? तुम्हारी आंखों के सामने तो उसी का दिल दिया गया, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा? चली गई, वो ऐसे कैसे जा सकती? भाई, भाई खुद को संभालो प्लीज। भाई, माही जनाजे का वक्त हो गया, चलो। मैं सिर्फ अम्मी, अभी उन्हें फुर्सत नहीं है और सॉरी मुझे भी बहुत सारे काम हैं। अभी हम बहुत बड़ी अजियत से गुजरे, तुम ये बात नहीं समझोगे।
बाहर लेकर जा रहे हो मेरे अम्मी को। नहीं अम्मी को नहीं, 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 नहीं। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा रही थी। अम्मी टाइम मेरा रोकी ही नहीं। मेरी एसपी साहब से बात हुई है, वो जाती इंटरेस्ट लेकर तफ्तीश करवा रहे हैं। समझ में नहीं आता, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा? यह डकैती नहीं है, सीधा साधा सा कत्ल है। किसी को हमारी औरतों के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? माहिन सो गई जी, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है लेकिन वो बहुत सदमे में है, सोते हुए भी रो रही थी। सब कुछ इतना अचानक, दिमाग ही माफ हो गया। वो बार बार यही कहती है कि अगर वो नीचे ना झुकी होती तो गोली उसे लगनी थी। वो दोनों इस तरफ से आए जिस तरफ माहिन खड़ी थी, कायदा प्लानिंग करके घर के सामने हिट किया गया। लेकिन क्यों? ना गाड़ी छीनने का मामला, ना कोई धमकी, ये अचानक कत्ल क्यों कर देगा किसी? मैं अम्मा जी को देख कर आती। वो आप क्या कहते हैं, कोई कारोबारी जेलेसी होती तो मर्दों के बीच में होती, कि औरतों के साथ इसका क्या लेना देना? बस करो, उम्मीदें तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। तुम जैसे गुंडे पालता हूं तो उनसे निमटने के तरीके भी मुझे बहुत अच्छी तरह आते हैं। जेल में रहकर भी तुम्हें होश ना आई? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें जो रात का दुख किसे कहते हैं। मैं जानता हूं ये किसने किया है, उसे जान से मार देगा। तुम ठीक कहते हो, उसका निशाना मेरी बेटी ही थी। चाचू प्लीज, आपके जहन में जो कुछ भी आया आप हमसे शेयर करेंगे। जुबार जैद ठीक कह रहा है, हमें सबको जज्बात से नहीं तहमल से काम लेना होगा। मैं करता हूं पुलिस को इन्फॉर्म। कातिल पकड़ा गया। कौन है अम्मी और इसने कत्ल क्यों किया है? फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मुलाजिम है। उसकी माहिन से या चाची से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही शख्स है जिसने फैक्ट्री में चोरी की थी। दस मिनट है तुम्हारे पास, साहब के आने का टाइम है। जी मैं तो तुझे छोटा मोटा गुंडा समझता था, तू तो कातिल निकला। कातिल तो सब है उमर साहब, कोई किस तरह कत्ल करता है तो कोई किस तरह। अब्दुल रहमान के साथ काम करते करते उन्हीं के साथ दुश्मनी, उनके खानदान के साथ शब खून, क्यों किया तूने ये सब कुछ? जवाब दो मुझे, बोलो।
मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं उमर साहब। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। चाची का खून क्यों किया? मैं उसे मारने नहीं गया था, मैं उस लड़की को मारने गया था। उसके साथ तेरी क्या दुश्मनी है? क्योंकि उसे पता चल सके कि औलाद का दुख किसे कहते हैं। अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा, समझे? बकवास है ये? क्या चाहते हो तुम? अगर इंतकाम है तो किस बात का? अगर बर्बाद करना चाहते हो तो क्यों? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम पर चोरी का इल्जाम लगा, मैंने तुम पर इत्तबार किया, तुमने माहिन की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन बताओ चाची के कत्ल में तुम्हारा कितना हाथ है? क्या What the hell? तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। पीछे हटो, मौका मिल गया तुम्हारे चाचा को मुझ पे इल्जाम लगाने का। मैं हवालात के पास से क्या गुजर गया, ये कत्ल उमर ने कर दिया। तो क्यों गुजरा तुम वहां से? क्यों आया तुम्हारा नाम? उमर मुझे सफाई दो, वरना मैं वरना क्या करोगे तुम? बोलो, अपने बाप की तरह खुद चोरी करके मुझ पे इल्जाम लगवाओगे या चाचा की तरह बदला लेने के लिए हवा में तीर चलाओगे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बेशर्म इंसान। बात सुनो सैद, जो हवालात में बंदा बंद है ना, वो तुम्हारे ही बाप का खास आदमी है, फैक्ट्री में काम करता है उनकी, समझे तुम? हमारा दिमाग खराब हो गया सैद। मेरा दिमाग खराब ना हो जाए इसलिए तो आधी रात को आपसे बात करने के लिए खड़ा हो गया। आखिर उस शख्स ने उमर से ऐसा क्यों कहा कि आपके कहने पे चोरी किया उसने, ताकि इल्जाम उमर पे आ जाए और वो फैक्ट्री से बाहर हो जाए? झूठ बोल रहा है उमर। अबू यही तो मालूम करना है कि झूठ बोल कौन रहा है। तुम अपने दिल पर हाथ रख के ये फैसला करो कि मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूं? दिल पर हाथ रखकर फैसला करने का वक्त गुजर गया रहमान साहब, अब तो हकायक पर बात होगी। आसमा, उसने ये बात कही लेकिन हमने नहीं सुनी। सच तो यह कि आपने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। वो कहता है कि इस बात के बाद ही उसने फैसला किया था कि वो यहां से हमेशा के लिए चला जाए। साहब जी, आपकी बहुत मेहरबानी जो आप मेरी बीवी के कहने पर यहां आए। कमाल है, अभी भी तुम्हारे चेहरे पर ना कोई शर्मिंदगी है और ना कोई नदामत। मुझे दुख है साहब, मैंने अपने खानदान के साथ अच्छा नहीं करा। और हमारे खानदान के साथ क्या किया तुमने? आप उसके हकदार थे साहब। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साहब, आप लोग इंसान को चाबी वाला खिलौना समझते हो, उसमें चाबी भरी और अपनी मर्जी का नाच नचवाया, और जब अपना काम निकल गया तो चाबी निकाली और इस जेल में डाल दिया। किसने इस्तेमाल किया और किस मकसद के लिए? हमारी सजा कम तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद जमीर का बोझ हल्का हो जाए। मेरे जमीर पे कोई बोझ नहीं है साहब। फैक्ट्री में जब भी कोई इश्यू हुआ तुम्हारी वजह से, जब कोई स्ट्राइक हुई तो तुम्हारा नाम आया, तुमने मेरे ऑफिस में चोरी करवा कर इल्जाम उमर के ऊपर डाल दिया। जब उसने तुम्हें पकड़ लिया तुमने कहा कि ये सब कुछ मैंने करवाया। तो और किसका नाम लेता साहब, जिसके लिए मैं काम करता था, जिसने मुझे इस काम के पैसे दिए थे? किसने दिए थे? अब तो सच बोल दो। कमाल है साहब, आस्तीन के सांप खुद पालते हैं और सच्चाई पूछने हमारे पास आते हैं। ये सारे काम मैं आपके भाई के लिए करता था, जब पार करवाता था मुझसे ये सारे काम। झूठ बोलते हो तुम, बकवास करते हो साहब।
जिसके गले में फांसी का फंदा होना, फिर वो झूठ नहीं बोलता। इसे क्या हुआ? इस वक्त लॉन में क्या कर रहा है? उल्टे सीधे ख्याल जहन में आएंगे तो नहीं तोड़ेगी। गुड वेल। चाचू आपने बहुत बुरा किया, हम सबके साथ बहुत बुरा किया है। आपने हम तीनों की खुशियां छीन ली, अब आपको भुगतना पड़ेगा। चाय। तुम उमर की तरफ जाओगी? कैसे जाऊं, कैसे सामना करूं उसका कि जो कुछ वो कहता रहा और हम झूठ समझते रहे सब सच निकला। ये मैं क्या सुन रही हूँ अब्दुल रहमान? दफ्तर तुम जाते नहीं हो, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। अरे वो कहाँ गुम है? तुम्हारी बीबी तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अम्मा जी बहुत ख्याल करती है। क्या खाक रखती है? नहीं अम्मा जी, बहुत ख्याल करती है। और रही बात ऑफिस की, तो जब्बार वहां अकेला बहुत खुश रहता है। भाईजान आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। दादो, मैं महीन से शादी करने के लिए तैयार हूं। तो खुशी की बात है। तुम्हारा पापा परवा कब तक आ जाती है घर? बेटा वैसे तो 4 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आते आते 5 बज जाते हैं। ठीक है फिर मैं ही ले लेता हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा, आज कम से कम वो सहूलत से आ जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर पता है बहुत अरसे के बाद इतनी खूबसूरत शाम गुजारी मैंने, खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। अरे ये तो मुझे कहना चाहिए। तो तुम भी कह दो। ये लोग कौन है? अल्लाह खैर करे, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? हमीदा आपा को करंट लग गया है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी को? किसी ने डॉक्टर को बुलाया? डॉक्टर देखकर गया है, करण क्या लगा दिल ने झटका ही खा लिया है। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अम्मी मुझे शादी नहीं जा सकती है। उमर उमर अम्मी को क्या हो गया? अम्मी अम्मी दे अम्मी दे अम्मी मैं बोल रहा अम्मी प्लीज अम्मी अम्मी उमर अभी नहीं जा सकती ना। उमर उमर अम्मी को क्या हुआ? अम्मी को अम्मी उठे अम्मी उठे। ये कौन?
यही तो है जिसके साथ सैर सपाटों में निकली थी, माँ घर में मुर्दा पड़ी थी। नहीं उमर, उमर अम्मी को क्या हो गया? उमर अम्मी मेरा सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, तो शादी कैसे करोगे? जैसे करो। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा, कैसे करोगे शादी? कैसे उम्र का सामना करोगे? तुम सबको जानते हो उम्र तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, तुम उससे नफरत करते हो। और कभी मुझे उससे जुनून की हद तक मोहब्बत थी, कैसे भूलोगे तुम ये? मैं अपनी जिंदगी से अपना पास मिटा नहीं सकती, मोहब्बत हो या नफरत, किसी ना किसी शक्ल में वो मेरे पास रहे। Try to understand. तुम चाहती क्या? किसी और से शादी करके उसको धोखे में रखोगी कि वो तुम्हारी जिंदगी का पहला मर्द है? मैं शादी नहीं करूंगी, बस मेरी जान छोड़। हेलो, किस खुशफहमी में हो? मैं मना कर दूंगा तो चाचू किसी और के साथ कर देंगे, इसलिए बेहतर है कि मान जाओ। लानत हो तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? ठीक है, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, निकाह तो है, कर लो, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैं खुद को कुछ कर लूंगी सर। तुम देख, मैं खुदकुशी कर लो, फिर करते रहना मेरी लाश से निकाह। Yes, you wish. खुद को हलकान मत कर, सब कुछ बेहतर करना चाहता हूं। तुमने बानो कुदसिया का नाम सुना है? बहुत बड़ी राइटर है, कभी पढ़ना उन्हें। वो एक जगह लिखती हैं कि अगर किसी माँ के साथ हो जाए और उनमें से छह जन्नत में हो और एक जहन्नम में, तो माँ को जन्नत में तलाश ना करना, वो अपने सातवें बच्चे के साथ जहन्नम में होगी। उम्र, मेरी अपनी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन अगर तुम बेसुकून हो तो चैन से मैं भी नहीं। तुम्हारी बेसुकूनी मुझे आग की तरह जलाती है। हाले कोई जरूरी काम है? क्या मैं इसे जैद और माहीन के निकाह का बता दूं? अम्मी घर कब आएंगी? इतनी जल्दी किस बात की है? शॉपिंग के लिए जाना है, इतने कम दिन रह गए। आ जाऊंगी एक आध घंटे में। क्या कह रहा? शॉपिंग जाना है, इससे जल्दी कर रहा है। ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो उसने आपके साथ की? शादी की। किसकी? जैद की? What a surprise! किससे? कब? Don't tell. माही सेठ।
सुना दिल की गली ऐसे वीरान होते नाखों में सावन जड़ी आ ठहरती न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती। ये कैसा है? ठीक है। मंगनी पे कैसे रहेगा? मंगनी पर इतना भारी जोड़ा पहनोगी तो बारात पे क्या पहनोगी? तुम्हें कुछ नहीं पता, खुद ही पसंद कर लूंगी मैं। मुझे कुछ नहीं पता रियली। सुनो, बारात पे पहनते हैं लाल जोड़ा, मेहंदी पे पहनते हैं पीला जोड़ा। पीला क्यों पहनते? सी, तुम्हें कुछ नहीं पता। वैसे अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन मैं पीला रंग ही पहनूंगी, क्योंकि पीला रंग बाहर की आमद का रंग होता है, खुशियों के आने का रंग होता है। तो फिर ठीक है, मैं हमारी शादी के हॉल को पीले और सफेद फूलों से भर दूंगा, असली और खुशबूदार। रियली? रियली। नहीं, ये खुशियों के रंग है, ये मेरे रंग नहीं है, ये मेरे रंग नहीं है, ये खुशियों के रंग है, ये मेरे रंग नहीं है। क्या हुआ भाई? तुमने ये पीले और सफेद फूल क्यों रखवाए? तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है, तुम अक्सर कहा करती थी कि तुम अपनी वायों पे इस रंग के फूल लगवाओगे। तुम्हारे लिए नहीं कहा था, ये रंग तुम्हारे नाम के नहीं है जैद। वो कहाँ है जिसके नाम के ये रंग है? बोलो। वो तो हमारे निकाह की खबर पे भी नहीं आया। अभी नमाज पढ़कर आई, बावजूद छूबी खाऊंगी मैं अब भी उमर से ही मोहब्बत करती हूं और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकती। बावजू नहीं हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। मर जाओ, जान छोड़ दो हमारी, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मर जाओ। मेरे मरने से तुम्हें उम्र मिल जाए तो मैं ये भी कर लूंगा। तो हो गई हीरो की एंट्री। क्या कर रहे हो तुम? माहीन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम उसे छोड़ने का सोच सकते हो, तो मैं उसे अपनाने का नहीं सोच सकता। तुम एक बुजदिल और कम हिम्मत इंसान। उसे छोड़ने से पहले ख्याल नहीं आया था कि वो किसी और की भी हो सकती है। तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था उसे जैद, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपोगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुम दोनों ने किया। तुम दोनों ने अपने रास्ते अलग किए। नहीं है हमारे रास्ते अलग और ना हो सकते। आज भी मोहब्बत करता हूं मैं माहीन से। मैं माहीन के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं सर, और वक्त आने पे किसी की भी जान ले सकता हूं, समझे तुम? अब कर जाओ और ये जो तुमने खेल किया है ना, इसको सही करके आओ। मैं तो याद रखना, कल का सूरज नहीं देख पाओगे तुम। वो कहती है जैद मर जाओ,
हमारी मोहब्बत में दीवार मत बन। मैं आज भी उमर से मोहब्बत करती हूँ। तुम तो उसके लिए जान भी दे सकते हो ना, तो रास्ते में कौन है? तुम खुद हो वो जिल इंसान। मैं तो कभी भी नहीं था, ना कभी हो सकता, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, माहीन की शादी की खबर ही वो खबर जो तुम दोनों को खौल से निकाल सकती। मैं तो कहीं भी दरमियान, तुम खुद अपना रास्ता रोके हुए हो। बनते ही बच्ची का इतना रूप निकल आया। अम्मा जी रस्म शुरू करें। रहमान भाई कहाँ हैं? बाहर हैं। क्यों, क्या हुआ? जैद का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कहाँ है वो, क्या हुआ? अभी कुछ पता नहीं चल रहा, जाकर देखते हैं। अम्मा दुआ कीजिए। मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, अपने ईमान में रखना, क्या करूं मैं? अल्लाह। वो मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, जो बताएं वो ठीक तो है? बहुत सीरियस एक्सीडेंट। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए। ये भी अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं किसी सीनियर सर्जन को कॉल करता हूं। सब कुछ अफोर्ड हो सकता है, आपने जिसको बुलाना है बुला लीजिए, बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये सब अल्लाह के इख्तियार में, हम सिर्फ कोशिश कर सकते। आप काउंटर पे 1,00,000 जमा कराएं, क्योंकि हमने फौरन ऑपरेट करना है। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? आप ऑपरेशन करवाएं, हम करा देंगे सारा इंतजाम। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप ब्लड अरेंज करें। जैसा अस्पताल है ये, ब्लड का भी इंतजाम नहीं है। मैं कुछ करता हूं डिपॉजिट का। सुबार तुम कुछ अरेंज करो। भाईजन मैं कौन सी इतनी रकम लेकर आया हूं? मैं तो जल्दी में वॉलेट भी उठाना भूल गया। तो फिर यहां क्यों खड़े हो? जाके घर से पैसे लेकर आओ। आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, फौरन ब्लड अरेंज करवाइए। ब्लड अरेंज हो गया, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। हाँ तैमूर, तैमूर मैंने तुम्हें हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दिया, फौरन यहाँ पहुंचो ब्लड देना। ओके। ये मेरा भाई नहीं है मगर हमारा खून एक है, मेरा मतलब हमारा ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं इंतजाम करवाती हूँ, आप आइए मेरे साथ। चले। मर। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह जैद को कुछ भी नहीं होगा। आप ये रखें, प्लीज इसे रखें, जो भी सारी जरूरी कार्रवाई है वो शुरू करवाए, मैं ब्लड देकर आता हूं। ये यहां क्या कर रहा है? जैसा वो कह रहा है वैसा करो। ये लो, जाके डिपॉजिट दो। माही किसी को फोन लगा, पूछ मेरे बच्चे का क्या हाल है, अभी तक किसी ने कोई इतला क्यों नहीं दी? वो नहीं बचेगा। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही, मर जाएगा वो। तेरे मुंह में खाक। बद्दुआ दी थी मैंने उसे, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन बद्दुआ लग गई। मैंने कहा था उसे
दिल से चाहता हूँ कभी लौट कर ना आए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, उसने उस अपने कुछ लगते के लिए मेरे बच्चे को बदुआ दे दी। मेरा तो सिर्फ एक बात की थी दादू, खुदा की कसम दिल से नहीं चाहता। माही मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे जैद को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए घर चला जाए। बेटा थोड़ी देर के लिए घर हुआ हो, अब तो वो ठीक है, एक बार होश भी आ चुका है। आप रुक जाए, मैं यहीं पर। सारी रात से तुम यहीं खड़े हो, घर चले जाओ। सारी रात? ओह गॉड, मुबारक हो भाभी, आपका बेटा लड़की भगा लाया। पता नहीं मुझे यहां आना भी चाहिए था या नहीं। क्या क्या कर रही हो? I'm so sorry, मुझे शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वो दरअसल कल रात से उमर घर पे नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी तो मैं। तुम उमर के घर पर हो? हाँ। कॉल नहीं की उसने? कल रात से उसका फोन बंद है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हुआ उमर को? उमर को क्या होने, जैद का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए फारिग नहीं हूं। उमर आए तो सारी तफसील ले लेना, वैसे भी कौन सा गैर हूं, अपना ही घर समझो। हाँ, मेरे तो बाप का घर है ना ये, अपना ही घर समझो। तनी दादू मुझे बर्दाश्त भी करेंगे या नहीं, तो मेरे इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो वे? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। हाँ ये तो यही कहेगा, सारे रिश्तेदारों में शोर मचा हुआ है कि उमर लड़की भगा लाया है, उसके रिश्तेदार इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। उमर? अम्मी मैंने परवा को फिर रात से अकेला छोड़ा, मुझे उस पर जाके चेक करना, आपको मैं सारी तफसील बाद में बताऊंगा, आप प्लीज जैद का ख्याल रखिए प्लीज। लो लड़की तो इसके घर में मौजूद है, वो कहते हैं ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने। कहाँ चली गई है, इसका तो शहर में कोई वाकिफ भी नहीं। फरवा कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। उमर मैं तुम्हारी अम्मी के घर पर हूँ। Thank you.
I'm sorry, Zahir. I'm so sorry. मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ? रिश्ते डिक्शनरी लेकर ही बैठे थे। जो लफ्ज मुंह से निकलता ना वही लिखते। तुमने तो मुझे मुंह भर भर के बदबू दी थी। अब ये रो रोकर खुद को मजलूम मत बनाओ। एक तरफ तुम मुझे बदवाएं दे रही थी और दूसरी तरफ वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। तुम दोनों के दरमियान इतना प्यार था तो मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों? कोई प्यार नहीं है, सब झूठे बकवास है। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और तुम कह रही हो कि फरवा को ले आए और दोनों साथ रह रहे थे और तुम कह रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता है। तुम दोनों मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तंग आ गया हूं मैं। अपनी मनहूस शक्लें मेरे सामने मत लेकर आया करो। दवाई ली तुमने? स्टाफ है यहां पे, तुम्हें ज्यादा कर्टेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बकबक की ना तो ये प्लास्टर उखाड़ के फेंक दूंगा। फरवा कौन है? तुम्हें तो मुझसे बात करना गवारा नहीं, सवाल क्यों कर रहे हो? ज्यादा दांत चबाने की जरूरत नहीं है, टांग में और दर्द हो जाएगी। क्या हुआ? लानत तुम पर। उमर कहाँ मर गए थे? ऑफिस जा रहा था। क्यों? बेटा मेरे बाप का ऑफिस नहीं है जहां से जब मेरा दिल चाहे मैं छुट्टी मार लूं। तुम्हें पता ना इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे नाश्ता कराओ, मुंह हाथ धुलाओ, तुम लेके जाओ। अच्छा तो ये सब मैं करवाऊंगा? तो और कौन करेगा? लेसन मेरी इस हालत की जिम्मेदार ना तुम हो, जान छुड़ा के भागने की जरूरत नहीं। ओके। ये क्या कर रहे हो? जिल्ले लाही को वॉशरूम तक ले जाऊंगा। जलील कमीने, मेरी टांग टूटी भी है। अभी एक ही टूटी हुई है, दूसरी मैं तोड़ूंगा। अच्छा उमर, तुझे माफ कर दे। नहीं, अब भुगत। चलो। खैरियत? सैद की खैरियत पूछने आई थी। तो यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ ना। मुझे अंदर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है और तुम मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम उमर की वजह से अंदर नहीं जा रही हो ना? उमर कौन है जिसकी वजह से मैं जैद के कमरे में नहीं जा सकती? या ना परस लोग। वो मैं जैद का पूछना ही थी। इसलिए शादी की मुबारक हो। अच्छी लड़की है फरमा, तुम्हारे साथ गुजारा करेगी। वलीमा कब कर रहे हैं? क्यों? बहुत जल्दी वलीमा खाने की। जब जैद ठीक हो जाएगा तो इकट्ठे ही कर लेंगे। स्टूपिड अहमक लड़की।
अबू प्लीज पानी पी लें। हटाओ। आज उसकी खातिर भाईजान ने मुझसे इस तरह बात की। तो हम्बल से बैठ के बात करो। तुम्हें पता है आजकल उमर उनकी कितनी जरूरत बना हुआ है। पैर ठीक हो जाएगा तो उमर खुद ब खुद चला जाएगा। अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब उमर जहां भी रहेगा मेरे बेटे की हैसियत से रहेगा। देखा, सुन रही हैं आप? हमारी कौन सी उसके साथ दुश्मनी है ना, बस उसकी हरकतें हैं। अब किसी लड़की को उठा के भगा के ले आना कुछ अच्छी बात तो नहीं है ना। वो लड़की भगा कर लाया और ना उसने निकाह किया। फरवा को उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए वो उसके पास आई थी, वरना दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उसकी गलत बातों को सपोर्ट करूं। आप भूल गए हैं कि वो क्या करता रहा है। नहीं, मैं जान गया हूं कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? आराम से बैठ के बात करो। नहीं, बताएं मुझे, बताएं मैं क्या करता रहा हूं। मेरा मुंह ना खुलवाओ जब्बार। नहीं नहीं, अब बात शुरू कर दी है तो आप बात मुकम्मल भी करें। क्या किया है मैंने? किया क्या है मैंने? अजीम ने मुझे बता दिया है जब्बार। क्या हुआ? मैंने उमर को अपनी औलाद की तरह पाला, लेकिन तुम्हारी नफरत ने उसके और मेरे दरमियान दीवार खड़ी रखी। और अम्मा जी, आपने भी इसका साथ दिया। तुमने अजीम के जरिए ऑफिस में चोरी करवाई ताकि इल्जाम उमर पर आए। बकवास करता है वो, झूठ बोलता है। और इससे बड़ा धोखा कि नाम मेरा लगा दिया, फैक्ट्री में बदनजमी फैलाई ताकि उमर बदनाम। तुम उमर को बदनाम करने के लिए क्या कुछ करते रहे हो जबार? कोई भी आके आपके कान भर देगा तो क्या आप यकीन कर लेंगे? अगर मेरा सगा भाई मुझे धोखा दे तो मैं किस पर यकीन करूं? तुम्हारे खुफिया अकाउंट, तुम्हारा फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए साजिश है। तुम्हें क्या चाहिए था? जायदाद, पैसा, इख्तियार? रमा जी, आप पूछती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है, और तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया? उसकी हर खुशी छीन ली? आप लोग सोचे कि हम लोग कहां खड़े? मेरा बेटा माजूर होते होते बचा है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तुम्हारी बेटी की बारात नहीं आ सकी, तुम्हारी बीवी कत्ल हो गई, और मुझे एक बार फिर उमर का मोहताज होना पड़ा, जिसको निकालने के लिए घर से तुम साजिश करते रहे। आप लोग सोचें हमारे साथ क्या हो रहा है, और आप लोग कान खोलकर मेरी बात सुनें। आज के बाद मैं उमर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। इस घर में उसकी हैसियत जैद जैसी है, शायद जैद से भी ज्यादा, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का कफारा अदा करना होगा। और जायदाद, इख्तियार लाओ, लाओ मुझे, तो मैं अभी लिख कर दे देता। कम से कम इस बहाने मुझे मेरा भाई तो वापस मिलेगा। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी अब्बू। बहुत अच्छी है।
रिपोर्ट्स मिली? जी वही लाया हूँ। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जल्दी बताओ ना। जैद को मजीद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल ने डिसाइड किया है कि फिजियोथेरेपी से और अपनी विल पावर से दोबारा चल सकेगा। तुम सच कह रहे? जी मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र। अब मैं चल सकूंगा इंशाल्लाह। कभी मुझे माफ कर सकेगा? बड़े छोटे से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी जब गलत फहमियां दूर हो जाएं तो दिलों से शिकवे भी दूर हो जाते हैं। और तुम? तुमने भी तो बहुत सफर किया मेरी वजह से। मुझे सिर्फ अपने घर अपनी फैमिली का सुकून चाहिए। कुछ पता है मां, हम औरतें अपने रिश्तों में जीती हैं। हमारी हर खुशी इन्हीं रिश्तों से वाबस्ता होती है। अच्छा बस मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है, समझ आइए। लड़की ठीक होता ना तो प्रपोज करता। अच्छा सीरियस कह रहा हूं। ठीक है तो बोल दे, बुलाता हूं। परवा दिमाग खराब है तेरा। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं यार। हाँ उमर कहो। ज्यादा तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जैद कहो। परवा विल यू मैरी मी? तुम्हारी टांग के साथ साथ ना तुम्हारे दिमाग का इलाज होना भी बहुत जरूरी है। ना होती ये राहें तन्हा के लिए, ना दिल की गली ऐसे वीरान होती। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? कुछ चाहिए? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पर मैं तो अपने घर से दो जोड़ों में ही आई थी ना। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत खुश नसीब हो। हाँ खुश नसीब तो हूँ। अल्लाह ने मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते जो दे दिए,
और वो भी उस वक्त में जब अपने रिश्ते खो चुकी थी। अच्छा ये देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे पास लाने वाली थी, ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, अच्छा है ना? लेकिन ये सब तो तुम्हारी चीजें हैं, मैं इनका क्या करूंगी? क्या फर्क पड़ता है, जब ये चीजें ली थी उस वक्त जज्बात और थे, और अब तो सब कुछ बदल चुका है। और वैसे भी तुम पे ये कलर बहुत सूट करेगा, और फिर हमारा नाम भी एक ही है। नहीं, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। हर किसी को अपना नसीब मिलता है, ये तुम्हारी चीजें ना तुम पहनो। मैं आंटी के साथ मार्केट चली जाती हूँ, तुम्हारा मूड शायद ठीक नहीं है। शिकायत किसी से है जाना, मुकद्दर में अपने ही चाहत नहीं थी। कैसी लगी? अच्छी। मुझे तुम्हारे जोड़े का रंग नहीं पता था, तो हर कलम में एक पहना भी। इनायत नहीं थी, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं। तुम मुझे दिखाने के लिए लगाती हो? और किसको दिखाने के लिए लगाती? लेकिन कोई बात, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो नहीं करूं। क्यों? नेल पॉलिश लगा। रहने दो। अरे अरे आराम से। अपनी हर पसंद की चीज को मेरे लिए नहीं छोड़ा करो। मुझे सिर्फ वही अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं। ज़ालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। बड़े खुश हो तुम? क्यों, तुम खुश नहीं? निकाह सादगी से हो रहा है ना? निकाह तो निकाह होता है, जिस तरह भी हो। अगर तुमने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई ना तो देखना। मैंने तो सोचा ज़ाद मैं इस तरह तस्वीरें खिंचवाऊंगा। यस, खड़ा ये। मैंने कहा भी था मेरा निकाह लेट कर दें, मैं ठीक तो हो जाऊं। अब तो इसी तरह चलेगा, उठो। उमर ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है या गलत, बस आखिरी लम्हे सोच लो। सोच लो। चले? चलो चलो। आजा। मजी कितनी देर है, निकाह का वक्त हो रहा है। अरे कोई देर नहीं हो रही, और आ रही हूँ ना। जब्बार किधर है? वो तो अपने कमरे में है, सुबह से नहीं निकला। मैं देखता हूँ। रहमान, अम्मा जी, बाप के बगैर बेटी का निकाह नहीं हो सकता। ये सब आपकी वजह से है, ये इनकी नफरत और अनापरस्ती की वजह से मेरा सारा घर बिगड़ गया। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी बराबर की मेहनत शामिल है इसमें। मुझे अपनी गलतियों का कफारा अदा करना होगा, और जायदाद इख्तियार लाओ, लाओ मुझे तो मैं अभी लिख कर दे देता हूं।
कम से कम इस बहाने मुझे मेरा भाई तो वापस मिलेगा। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी अब्बू। जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए गोलियां निकलवा ली थी। किसी की गंदी नजर तुम्हें हल्का सा भी छू जाए तो बर्दाश्त नहीं करती। तो ऐसा करो, बुर्का पहना के घर में बंद कर दो। कितने पोजेसिव हो। हम कड़ी पोजेसिव होगी। इस तरह तो दम घुट जाएगा। तो ठीक है ना, उसके एक्सचेंज में मेरी मोहब्बत जो मिल रही है। अच्छा हाथ छोड़ो या तोड़ दोगे? जरा सी चूड़ियां तो दिलाई नहीं और दावे करते हो। माय लव, तुम्हें किसी सिंगार की जरूरत नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। वो तैयार हो गए? हाँ, मेरी दोनों बहुएं बेमिसाल हैं। वो लोग निकाह के लिए आ गए हैं। आओ चलिए। आशा चल। इस वक्त अपने कदमों पे खड़ा हूं, सिर्फ तुम्हारे यकीन के सहारे खड़ा हूं। क्या सोचा था, अपनी शादी पे ये करूंगा वो करूंगा, एक भंगड़ा तक नहीं डाल सका। अच्छी लग रही है। बुरा तो मैं भी नहीं था,
एक्सीडेंट से पहले शादी हुई होती तो लोग कहते चांद और सूरज की जोड़ी है। लोग आज भी यही कह रहे थे। Really? तुमने शादी के लिए यहाँ क्यों की? तुमने प्रपोज जो किया था। मैं तो अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। और मैंने किस्मत आजमाई। तुमने सोचा होगा अच्छा वाला लड़का था, ऐबदार हो गया, अब कौन इससे शादी करे? तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया था? कि बेचारी यतीम है, बेघर है, इसे कहाँ कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा? कुछ कुछ वैसे मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। अच्छा घर, इतनी मोहब्बत करने वाले सास ससुर, पैसे, कंफर्टेबल लाइफ, और क्या चाहिए? हाँ बस साथ में एक मिस्कीन सा शौहर ही तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मतलब एक दूसरे पे तरस खा के जिंदगी तो नहीं गुजरेगी ना, है ना? मेरा भी यही ख्याल है। तो आप मोहब्बत कर ले। क्यों रही हो? तुम नाराज क्यों मुझसे? अब्बू की गलतियों की सजा मुझे दोगे? तुम जैद से शादी करने पे तैयार क्यों? क्योंकि तुम मुझे छोड़ गए थे। इसका मतलब यह था कि तुम उससे शादी करने पर तैयार हो जाओ। तुमसे बदला लेने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। ये सब कुछ तुमने बदला लेने के लिए किया मुझसे? तो क्या करती? मेरा दिल चाह रहा था कि तुम भी उसी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़पी हूं। उमर, तुमने मुझे जिंदगी की तरह प्यार किया है, और मौत की सजा सुनाकर चले गए। सोच के आया था बहुत लड़ूंगा तुमसे, बहुत लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। वजह भी तो हमेशा तुम ही बने हो।
I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों छोड़ के गए थे? क्या कोई अपनी जिंदगी को कभी छोड़ सकता? मैंने तो खुद ही को मौत की सजा सुनाई थी। बस अब तुम रोना बंद कर दो प्लीज। बहुत लंबा सफर तय किया हुआ। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे सामने है और अब कभी मैं तुम्हारी रोने की वजह नहीं बनूंगा, कभी नहीं, और ना ही किसी और को इजाजत दूंगा। ये मेरा उनसे वादा है। मैं अपनी माहिन को हमेशा खुश रखूंगा, कभी दुखी नहीं ना। ये जिंदगी ऐसे हैरान होती अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने।